हेलो एवरीवन वेलकम टू जीके टुडे दिस इज़ आरजू कक्कड़ इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशंस uh, में पूछे जाते हैं चाहे वो एसएससी सीएचएसएल हो सीजीएल हो एमटीएस हो आईडीएम हो या फिर दूसरे एग्जामिनेशंस भी हो चाहे वो सी ए पी हो डेली पुलिस एस हो तो सारे जो क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन उनको एड्रेस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर ये आपका फर्स्ट सेशन होगा आउट ऑफ टोटल ट्वेंटी फाइव वीडियो दिस इज गोइंग टू बी अर फर्स्ट वीडियो जहां पर एंशियट इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले सालों में 1999 से लेकर 2021 तक में जो भी एंशेंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो सब क्वेश्चन अच्छे से लेंगे और इस वीडियो सेशन के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि सब कुछ यहां पर अच्छे से कवर किया जाएगा इस कमिंग इस सेशन के बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट कमिंग सेशन होगा उसमें मेडिबल इंडियन हिस्ट्री जो है हम उसको कवर करेंगे और जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड इन दिस वीडियो जो आपको जी के टूडे के जो एंड्रॉयड ऐप है उस पर जी के टूडे ट्वेंटी थाउजेंड प्लस क्वेश्चन कोर्स है वहां पर मिल जाएंगे तो इफ़ यू वॉन्ट टू सॉल्व मोर सच जो स्टैटिक क्वेश्चन हैं तो आप आई वुड रिकमेंड यू कि आप जी के टूडे के ट्वेंटी थाउजेंड प्लस क्वेश्चन कोर्स को uh, ले सकते हैं एंड आई वुड रिकमेंड यू इफ यू वॉन्ट टू सॉल्व कंप्लीट क्वेश्चन एंड वॉन्ट टू गेट दैट क्वालिटी विद ऑल दी एक्सप्लेनेशन सो

फेमस फॉर विच ऑफ द ये अपने ऑप्शन डी पॉटरी के लिए काफी फेमस है यहाँ पर आपको टेराकोटा कोटा फिगरी देखने को मिलेंगी ब्रिक्स का एविडेंस यहाँ पर देखने को मिला है ग्राइंडर्स बैंगल्स स्टोन बॉल्स तो इट इज दिस साइट इज बेसिकली फेमस फॉर ऑल दीज थिंग्स क्लियर नेक्स्ट इज नेम द क्लैन बुद्धा बिलोंग टू तो बुद्धा कौन से क्लैंड से बिलोंग करते थे बुद्धा ऑप्शन सी साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे ठीक है चाइनीज ट्रैवलर्स काफी चाइनीज ट्रैवलर्स ने इंडिया को विजिट किया है एंड वट ऑफ आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपको बताना है कि चाइनीज ट्रैवलर्स विजिटेड इंडिया प्राइमारिली बिकॉज क्या रीजन हो सकता है तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दे वर इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म इसीलिए इन्होंने काफी विजिट किया टू कलेक्ट आप बोल सकते हो रिलीजियस uh, इन्होंने काफी टू कलेक्ट रिलीजियस वर्क बुक्स दे विजिटेड होली प्लेसिस ऑफ बुद्धिज्म तो इसीलिए चाइनीज ट्रेवलर द मेन रीजन द प्राइमरी

दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट रॉक कट मॉन्यूमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको बुद्धिस्ट जैन और हिंदूज आप बोल सकते हो मोनेस्ट्रीज जो है मोन्यूमेंट जो है वो देखने को मिलेंगे और अगर मैं इसका टाइम फ्रेम बताऊं तो इट इज सिक्स हंड्रेड टू थाउजेंड्स पीरियड के बीच में क्लियर तो कौन से केस महाराष्ट्र में सिचुएटेड है दे आर एलोरा द टाइटल इंडियन नेपोलियन तो अब ये इंडियन नेपोलियन का जो टाइटल है ये किससे अटैच्ड है तो ये किससे अटैच्ड है समुद्रगुप्त ऑप्शन बी इससे अटैच्ड है क्योंकि इन्होंने काफी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो है वो किए हैं इसीलिए क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था अगर टाइटल पूछा जाए तो इंडियन नेपोलियन ये किससे अटैच्ड है ऑप्शन बी दैट इज समुद्रगुप्त क्लियर फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड अलवर सेंट्स ओरिजिनेट तो अलवर सेंट्स कौन से आज के मॉडर्न स्टेट से ओरिजिनेट हुए हैं अगर आपने भक्ति मूवमेंट पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा भक्ति मूवमेंट से हुआ था भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट हुआ था तमिलनाडु से तो अलवर सेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको दो आप बोल सकते हो अगर आपने पढ़ा हो तो एक अलवर्स और एक अदिया ये सुना होंगे अध्यार्स जो है वो शिव सेंट्स होते हैं और जो अलवर्स होते हैं वो वैष्णवाइट्स होते हैं वैष्णव सेंट्स होते हैं और ये सेवन सेंचुरी एडी के बाद भक्ति मूवमेंट जो है जिसका राइज हुआ था जो ओरिजिनेट हुआ तमिलनाडु से तो अलवर सेंट्स कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तमिलनाडु से ठीक है हाउ मेनी पावरफुल महाजनपद वर देर इन एंशियट इंडिया फोर्टीन टवेल्व एटीन सिक्सटीन तो कितने पावरफुल uh, महाजनपद थे देवर सिक्सटीन अगर इसकी लोकेशन देखें फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट तो नॉर्थ वेस्ट में आपको देखने को मिलेगा गंधारा इन द नॉर्थ वेस्ट तो महाजनपद जो फ्लरिश्ड हुए जो ये फ्लरिश्ड हुए तो कौन सा रीजन था गंधारा इन नॉर्थ वेस्ट टू अंग इन द ईस्ट क्लियर तो ये दो कहां से देखो ये भी पता होना चाहिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनकी एक्सटेंशन कहाँ तक थी तो महाजनपद इन एंशियट इंडिया देवर सिक्सटीन पावरफुल किंगडम्स आप बोल सकते हो फ्रॉम गंधारा इन द नॉर्थ वेस्ट टू अंग इन द ईस्ट द कंपाइलेशन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड महावीरा इज नोन एज ऑप्शन ए श्रुति सूत्र पीबी सूत्र अगम सूत्र और अवेस्त सूत्र तो इनके जो महावीरा की जो प्रीचिंग्स हैं दे वर ओरली कंपाइल्ड इनटू मेनी टेक्स्ट या फिर स्क्रिप्चर्स उनको बोला जाता है अगम सूत्र ठीक है अगर दूसरे नाम से जाने तो इन्हें जैन अगम भी बोला जाता है और इसमें क्या बताया जाता है टीचिंग्स करवाई जाती हैं टीचिंग्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ जिसमें वेजिटेनियनिज्म और साथ ही साथ नॉन वायलेंस की बात करना ये सब सिखाया जाता है कंपैशन कम, वाली फीलिंग तो ये सब ये सब जो हैं बताई जाती हैं और ये नाम आपको ध्यान रखना है सूत्र ठीक है मोहन जुदारो वॉज लोकली नेम्ड एज माउंट ऑफ डेजर्ट माउंट ऑफ डेल्टा माउंट ऑफ डेड या माउंट ऑफ लाइफ तो इसको माउंट ऑफ डेड जो है वो बोला जाता था

हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द रूलर फ्रॉम कुशाण डायनेस्टी तो कुशाण डायनेस्टी में से uh, आप बोल सकते हो कि हुइंग रूलर विक्रमादित्य दांत और पीयूष मित्र so, है ऑप्शन सी ही इज बिलीव टू बी द फाउंडर ऑफ कुशाण डायनेस्टी इन सेवेंटी एट ए डी आप बोल सकते हो ठीक है तो नाम ध्यान में रखना द वेदा विच डील विद रिचुअल्स कौन सा वेदा है जो रिचुअल से डील करते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथार्वेद यजुर्वेद अगर आपने सुना हो तो उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया हुआ है ऑफ परफॉर्मिंग द रिलीजियस सेरेमनीज ठीक है तो इसीलिए जो वेदा रिचुअल से डील करते हैं वो है यजुर्वेद महावीराज फर्स्ट डिसाइपल वॉज महावीरा के फर्स्ट डिसाइपल कौन थे उनके सन इन लॉ जिनका नाम क्या है उनका नाम है ऑप्शन डी जमाली ठीक है वट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पॉइंट ऑफ किंग हर्षवर्धन तो वट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पॉइंट जो कोर्ट पॉइंट रहे हैं किंग हर्षवर्धन के तो उनका नाम क्या है ये आपको बताना है तुलसीदास बान भट्ट सूरदास रसखन तो इनका नाम है वो आप बता सकते हैं ऑप्शन बी बान भट्ट जो है वो इनका नाम है हु इज द कोर्ट पॉइंट ऑफ किंग हर्षवर्धन आगे चलती हूँ वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहन एम्पायर सातवाहना एम्पायर के फाउंडर कौन थे उनके फाउंडर थे सिमुक ऑप्शन बी क्लियर तो ये बोला भी जाता है कि ही इज बिलीव्ड टू डिस्ट्रॉयड द शुंगा पावर तो इन्होंने शुंगा पावर को डिस्ट्रॉय किया इन डेके और इनका जो रीजन जो रीन था जो आ, बोल सकते हो जो टाइम फ्रेम रहा है आ, वो है ट्वेंटी थ्री ईयर्स का ठीक है उसके बाद आगे चलते हैं बुद्धा वॉज बोर्न इन बुद्धा बेसिकली ही वॉज बोर्न वैशाली लुम्बिनी या फिर पाटलिपुत्र से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो बुद्धा लुम्बिनी जो है यहाँ पर बुद्धा वॉज बोर्न जो कि नेपाल के अंदर है एंड ही वॉज ग्रू ही ग्रू अप इन कपिला विच इज यू कैन से द कैपिटल सिटी ऑफ द शाक्य किंगडम क्लियर तो अगर पूछा जाए बुद्धा वॉज बोर्न इन तो ही वॉज बोर्न इन लुम्बिनी विच इज इन नेपाल विच ऑफ़ दुक द टाइटल ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप बोल सकते हो इनकम्प्लीट बोल सकते हो इसके दो आंसर बोले गए लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑफ ऑप्शन बता सकती हूँ तो इस क्वेश्चन को लेके काफी डिफरेंट आंसर्स रहे हैं लेकिन यहाँ पर काफी कुछको का कहना है मिहिर भोज अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये प्रतिहारा डायनेस्टी के एक पावरफुल रूलर रहे हैं ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर लेकिन ही वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु तो ये विष्णु के डिवोटी रहे हैं क्योंकि ये विष्णु के डिवोटी रहे हैं एंड ही अडोप्टेड द टाइटल आदिवरा क्लियर लेकिन अगर मैं बेस्ट ऑफ ऑप्शन की चूज करूं तो यहां पे आप नाम देख रहे होंगे नागभट्ट सेकेंड नागभट्ट टू तो ये जो है आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कन्नौज इन्हें काफी इंपेरियल टाइटल्स जो है मिले तो उसमें से एक प्रमाण भी था तो ये अगर मैं बेस्ट ऑफ ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर क्लियर मूविंग अड विद नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडोप्टेड ध्यान से पढ़ो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडॉप्टेड फ्रॉम द मोरियन डायनेस्टी इन दम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सत्यमेव जायते इसका राइट आंसर है अदरवाइज बुल होर्स फॉर लोयंस इनको अडॉप्ट किया गया था बेसिकली इन दम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इससे काफी क्वेश्चन आप आगे भी देखोगे अभी चालुक्य टेम्पल्स जैन टेम्पल एट दिलवारा ये कहाँ पर सिचुएटेड है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान और हरियाणा तो ये सिचुएटेड है नियर माउंट आबू अगर इतना भी पता चल गया अब इसका आंसर पता चल गया होगा दे बिकॉज ऑफ देयर स्टनिंग यूज ऑफ मार्बल्स ये बहुत फेमस भी हैं और ये लोकेटेड कहाँ है राजस्थान के अंदर वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राष्ट्रकुताज तो पंपा पुना रना द्री राइटर्स ऑफ कन्नड़ पोएट्री एंड कैलाश एंड दैलाश टेम्पल ये मोस्ट लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है राष्ट्रकुतास का तो ऑप्शन बी जो है इट इज द राइट आंसर वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश हुआ कौन सी रिवर के पास तो सरस्वती रिवर इसका आंसर है अगर प्रेजेंट इंडिया में मॉडर्न स्टेट्स की बात करूँ तो हरियाणा और पंजाब के पास

जैनिज्म में त्रिथानकर किन्हें बोला जाता है ट्वेंटी फोर स्पिरिचुअल मास्टर्स आप बोल सकते तो फर्स्ट त्रिथानकर थे वो हैं ऋषभ देव ऑप्शन सी वट वॉज हम्पी नोन फॉर हम्पी जाना जाता था एज इट वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट right आंसर है क्लियर नेक्स्ट इज द हर्ष चरित्र इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन ठीक है द रूलर ऑफ खनोज कंपोज इन संस्कृत बाय हिज कोट पॉइंट तो कौन रहे हैं वो वो हैं बान भट दैट इज ऑप्शन सी तो ये जो है हरिश्चंद्र जो बायोग्राफी है हर्षवर्धन की इट इज कम्पोज इन संस्कृत बाय हिज कोट पॉइंट जिनका नाम था बान भट्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रेट बात का आपने काफी नाम सुना होगा तो ग्रेट बात इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस तो ये प्लेस कौन से प्लेस में ग्रेट बात आपको देखने को मिलेगी दैट इज मोहनजोदारो जोदारो ट्वेंटी सेवेंथ ऑप्शन बी मोहनजोदारो जो है वो इसका राइट आंसर है ग्रेट बाउथ इज फाउंड इन दिस प्लेस नेम द रिपब्लिक विच वॉज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब्स इन द सिक्सरी बी बीसी बहुत ही सिंपल सा आंसर है ऑप्शन बी वची इज द राइट आंसर मूविंग अहेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इट वॉज फाउंडेड बाय विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था तो इसका राइट right आंसर क्या है अशोका धर्मपाल चंद्रगुप्त वन या फिर बिम्बीसरा तो ऑप्शन इज बी धर्मपाल जो है ही वॉज वन हु फाउंडेड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी लेकिन ट्वेल्थ सेंचुरी के अंदर भक्तियार खिलजी ही डिस्ट्रॉयड दी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी क्लियर फाइंड द ओल्ड वन सामवेद विष्णु पुराण और ऋग्वेद तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये तीनों वेदाज हैं चार वेदाज अगर आपने सुने होंगे सामवेद यजुर्वेद ऋग्वेद और अथर्ववेद. लेकिन विष्णु पुराण जो है इट इज वन ऑफ द रिलीजियस हिंदू टेक्स्ट ठीक है महापुराण में से एक है तो ऑप्शन सी जो है इट इज वन क्लियर वेयर इज द ब्रद्धेश्वर टेम्पल बिल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड तो चोला पीरियड के टाइम पे ब्रिधेश्वर टेम्पल जो है ये बिल्ड हुआ और ये हमें बताना है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है तो बहुत ही इजी सा सवाल है कहां पर लोकेटेड है ये ये एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है तो थंजावुर के अंदर ये लोकेटेड है ब्रिदेश्वर टेम्पल टेम्पल्स और उनके प्लेसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं तो थंजावुर के अंदर लोकेटेड है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जिसको राजा राजा चोला वन जो है उन्होंने बिल्ड किया था और ये टेम्पल लोड शिवा को डेडिकेटेड है ठीक है चलो आगे चलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल असेंबलीज नॉर्मली इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ ट्राइबल चीफ तो इनमें से कौन सी ट्राइबल असेंबली नॉर्मली इन्वॉल्व रहती है इन द इलेक्शन ऑफ ट्राइबल चीफ वेरी सिंपल एंड इजी आंसर दैट इज ऑप्शन ए समिति क्लियर द स्कूल ऑफ आर्ट्स डेवलप ड्यूरिंग द कुशान पीरियड विद द मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल तो कौन सा ऐसा स्कूल ऑफ आर्ट था जो बनाया गया जिसमें इंडियन एंड ग्रीक स्टाइल का मिक्सचर रहा है दैट इज गंधारा आर्ट ऑप्शन सी इसे इस गंधारा आर्ट से भी काफी क्वेश्चन आए हैं नेम द स्टेट चंद्रगुप्त वन गॉट इन डॉरी फ्रॉम द लिचावीज जब चंद्रगुप्त वन ने आ, बेसिकली ही मैरिड टू द लिचावीज प्रिंसेस जिनका नाम था कुमार देवी जब उनके साथ उन्होंने आ, ही मैरिड तो उन्हें कौन सी प्लेस जो है एज अ डॉरी मिली फ्रॉम द लिचावीज इसका राइट आंसर क्या है वो आप बताएंगे पाटली पुत्र ऑप्शन बी जो इन्हें मिली एज अ डॉरी फ्रॉम द लिचाविज फिर उसके बाद उनके जो बेटे हैं समुद्र गुप्त वन नाम आपने सुना होगा इनका समुद्र गुप्त उन्होंने फर्दर इसको एक्सपैंड किया जो बेसिकली आप बोल सकते हो ना कि एक्सटेंड पॉलिटिकल पावर जो है जब उन्हें ये पाटलिपुत्र मिला तो इन्होंने अपना पॉलिटिकल पावर को एक्सपैंड किया फिर आगे उनके जो बेटे हैं समुद्रगुप्त उन्होंने इसको जो है फिर वो एक्सपैंड किया तो चंद्रगुप्त वन को इन ढोरी जब उन्होंने शादी करी लिचावी की प्रिंसेस से जो मिली तो कौन सी जगह थी दैट वॉज पाटलिपुत्र द कैपिटल ऑफ द मौरियन किंगडम वॉज लोकेटेड एट तो मौरियन किंगडम की कैपिटल कहाँ पे लोकेटेड है दैट इज इन पाटलिपुत्र जो कि एंशियंट सिटी है ऑफ पटना एंड बिहार पटना इन बिहार तो ये पाटलिपुत्र जगह का नाम है पाटलिपुत्र को ओरिजिनली इट वाज बिल्ड बाय मगध के जो रूलर है मगध <coughs> के जो रूलर हैं उन्होंने इसको बिल्ड किया था पाटलिपुत्र को अजाता शत्रु इन 490 नाइनटी ठीक है अजंता केव वर बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ तो अजंता केव एलोरा केव इनसे काफी क्वेश्चन आ जा जा जाते हैं तो अजंता केव जो है ये <coughs> कहां पर है अगर आपको पता हो औरंगाबाद के अंदर है अब क्वेश्चन ये नहीं है कि कहां पर है क्वेश्चन ये है कि कौन से पीरियड में ये बनेगा बनाए गए थे तो गुप्ता पीरियड के अंदर अजंता केव्स पर बिल्ड मेंशन द सेंटर ऑफ द रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगम एज तो ड्यूरिंग द संगम एज कौन सा इनमें से सेंटर है ऑफ द रोमन ट्रेड तो इसका आंसर है ऑप्शन डी दैट इज मूरी क्लियर जॉर्वे कल्चर ये कैलकुलेथिक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि लोकेटेड है इन द प्रेजेंट इंडियन स्टेट ऑफ तो ये कहां पर लोकेटेड है आज की प्रेजेंट इंडियन स्टेट की बात करूं तो दैट इज महाराष्ट्र क्लियर हु वॉज द ऑथर ऑफ तेलुगु वर्क अमुक्त मल्य तो इस तेलुगु वर्क के ऑथर कौन है ये आपसे जो है वो सवाल पूछा गया एंड आंसर इज ऑप्शन सी कृष्ण देव राय जो कि ग्रेटेस्ट एम्पर रह है चुके हैं विजयनगर अगर आपने सुना हो विजयनगर एम्पायर के ग्रेटेस्ट एम्प्रर कृष्ण देव राय ही वॉज द ऑथर ऑफ दिस तेलुगु वर्क बदामी चालुक्यस फर्स्ट हैड कैपिटल एट प्लेस बिफोर दे मूव टू द बदामी तो पहले उनका कैपिटल कहां पर था तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन बी जो है ए होल वो इसका राइट आंसर है जहां पर इनका कैपिटल था पहले बिफोर दे मूव इट टू बदामी नेक्स्ट इज नेम द टेम्पल इन इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया में कौन सा टेम्पल है जहां पर रामायण और महाभारत के जो सीन्स हैं, दे आर डिपिक्टेड तो आंसर इज बोरबदूर ऑप्शन ए वो इसका राइट आंसर है ये टेम्पल इंडोनेशिया के अंदर है प्लेस का नेम भी याद रख लो जहां पर रामायण और महाभारत के जो सीन्स हैं, दे आर डिपिक्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज है तो कौन सी कंट्री इसमें से है जिन्होंने इंडिया को कहा है कि जो उनका फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू जो है जो मोहन जोदारो में मिला वो इंडिया को रिटर्न वो बेसिकली उनको रिटर्न कर दिया जाए तो कौन सी कंट्री uh, है हु हैज इंडिया टू रिटर्न द फेमस डांसिंग गर्ल स्टैचू आपने काफी सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे डांसिंग गर्ल स्टैचू के बारे में फ्रॉम मोहन जोदारो तो अभी ट्वेंटी फोर्टीन में पाकिस्तान आज इंडिया टू रिटर्न द फेमस डांसिंग गर्ल द लास्ट रिकोगनाइज किंग ऑफ गुप्ता लाइन वॉज तो गुप्ता लाइन के लास्ट रिकोगनाइज किंग कौन है विष्णु गुप्ता नाम ध्यान में रखना फर्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्लियर अब आगे चलती हूं मैथ मैथ लिए यहां पर लिख देती हूं ताकि आपको ध्यान से नजर आ जाए ऑप्शन ए इज चालुक्यास ऑप्शन बी इज ऑप्शन सी इज राश्रकुता ऑप्शन डी इज ककात्यास क्लियर ये ऊपर लिखा हुआ है वैसे यहां पर बट टू मेक इट इजी फॉर यू ताकि आप मैच द फॉलोइंग में जब देख पा रहे हैं तो आसान से देख पाए मलखेड़ इज ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन टू इज बतापी ऑप्शन थ्री इज वारंगल यहां लिख देती हूँ सॉरी फॉर फॉर दिस हैंड राइटिंग बट ये आपको समझ आ जाना चाहिए एंड ऑप्शन फोर इज दवार समुद्र तो आपको क्या करना है मैच द फॉलोइंग है तो इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए तो यहां पर ए का सेकेंड चालुक्यज इज फॉर वर्तापी और होए सालाज जो हैं दे आर Uh, उनका जो ऑप्शन है दैट इज दवार समुद्र और सी दैट इज फर्स्ट राष्ट्र कुत्ताज कहां से है मलखड़ एंड ऑप्शन डी ककात्यास दैट इज वारंगल तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है मूविंग अड कुशाण एम्पायर के फाउंडर कौन है हु इज द फाउंडर ऑफ कुशाण एम्पायर तो कुषाण एम्पायर के जो फाउंडर है दैट इज ऑप्शन सी कुजूला uh, कैडिज इनका नाम सुना होगा आपने जब आपने कुषान एम्पायर पढ़ा होगा तो ही इज द फाउंडर ऑफ कुषाण एम्पायर तो बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क काफी क्वेश्चन में आपको बोल रही हूँ यहाँ से देखने को मिलेंगे बुद्धिस्ट लिटरेरी वर्क जनरली कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए संस्कृत पाली भ्रमी और प्राकृत तो पाली लैंग्वेज के अंदर इन्हें लिखा गया आइडेंटिफाई द बुद्धिस्ट लिटरेचर फ्रॉम द फॉलोइंग तो इनमें से कौन से बुद्धिस्ट लिटरेचर है ये आपको पता होना चाहिए थ्री पिताकाज अगर थ्री पिताकाज की भी बात करूं तो थ्री बास्केट ऑफ आपने टीचिंग्स इसके अंदर सुनी होंगी थ्री पिताकाज में भी फर्दर कौन कौन सी हैं सूत्र पिता का ठीक है विनय पिता का और अभिधर्मा अभिधर्मा तो ये क्या है थ्री आगे बास्केट ऑफ टीचिंग ऑफ थ्री पिताका क्लियर तो ये कौन से लिटरेचर से है बुद्धिस्ट लिटरेचर से है पंच सिद्धांतम ऑफ वरहा मिरा इट डील्स विद ये किससे डील करती है इट डील्स विद एस्ट्रोनॉमी क्लियर इनमें से कौन सी इंडस वैली साइट आज पाकिस्तान के अंदर है लोथल कालीबंगन आलमगीरपुर और हड़प्पा तो इनमें से कौन सी इंडस वैली साइट पाकिस्तान के अंदर है दैट इज ऑप्शन डी हड़प्पा ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड में गोल्ड uh, कॉइन्स को दे वर कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स तो इनमें से कौन से नाम ऐसा है जो गोल्ड कॉइन्स के लिए यूज किया जाता था ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड तो आंसर इज दिनास ऑप्शन डी धारा आर्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अभी गंधारा आर्ट से पहले भी ये क्वेश्चन आया था तो गंधारा आर्ट किसका कॉम्बिनेशन है इंडो ग्रीक का द स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इज दॉर्न स्कूल शुंगा स्कूल गंधारा स्कूल या फिर गुप्ता स्कूल तो इसका अगेन आंसर क्या है गंधारा स्कूल रिलीजियस बुक त्रिपिता अभी हमने पढ़ा इट इज रिलेटेड टू अभी मैंने आपको त्रिपिता जो तीन तीन बताए हैं तो वापस से उसी से ही रिलेटेड सवाल है तो जो रिलीजियस बुक है इट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म क्लियर विद विच रिलीजन इज कैवल्या एसोसिएटेड कैवल्या जो है कौन से बेसिकली uh, रिलीजन से एसोसिएटेड है बुद्धिज्म जैनिज्म हिंदुज्म और सिखिज्म कैवल्या जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड है अगर आपको कैवल्या के बारे में पता होगा तो कैवल्या क्या है जैन कंसेप्ट है किस चीज़ का Salvation का तो कैवल्या एक सेल्वेशन का एक कंसेप्ट है जेन्स का कंसेप्ट है जहां पर बोला जाता है कि इट इज रिजल्ट ऑफ लिविंग बींग्स बिकमिंग फ्री ऑफ बिकमिंग फ्री जब हम एनलाइटनमेंट की बात करते हैं तो दैट इज द कंसेप्ट जो कैवल्य से जुड़ा हुआ है सेल्वेशन का कंसेप्ट है और ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है इट इज एसोसिएटेड विद जैनिज्म क्लियर वो अमग दर द फर्स्ट टू इन इंडिया तो इंडिया में जो कौन से इनमें से थे अफगान्स अरब और तुर्क तो अरब अगर आपको ध्यान हो अरब कॉन्क्वेस्ट सिंध तो इसीलिए अरब वर फर्स्ट टू तो इन इंडिया चाइनीज ट्रेवलर सुंग कम टू इंडिया अब ये कौन से टाइम फ्रेम में आए थे तो ये हमें बताना है ये कब आए थे फाइव हंड्रेड एटीन फाइव वन एट ए डी के अंदर जो है ये आए थे मूविंग अड हेल्ड एज द प्रिंस ऑफ पिलग्रेम्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग तो कौन से जब किस कौन से किंग का टाइम फ्रेम चल रहा था जब क्यूंत सांग जो है जो, जब इंडिया में विजिट किया तो उस टाइम पे ऑप्शन डी हर्ष जो है उनका उनके टाइम फ्रेम में इन्होंने इंडिया को विजिट किया एक चाइनीज आप बोल सकते हो बुद्धिस्ट मोंग है सेवेंथ सेंचुरी के अंदर ये इंडिया के अंदर आए थे ठीक है और उस टाइम पे हर्ष जो है उनके कार्यकाल में ड्यूरिंग दिस हिस्ट रीन ऑफ फ्रेम

हेड द फेमस पोएट कालिदास कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ तो किसके कोर्ट में जो है कालिदास रहे कालिदास चंद्रगुप्त सेकेंड नाम ध्यान रखना अंडर चंद्रगुप्त सेकेंड कोर्ट कालिदास जो फेमस पोएट है ही लिव्ड द Uh, उत्तर मेरे और इंस्क्रिप्शन अब ये इंस्क्रिप्शन जो है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किसके एडमिनिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करी जाती है बाय दिस इंस्क्रिप्शन जो कि एथ सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी चोलास क्लियर द अर्ली बुद्ध स्क्रिप्चर कितनी बार ये क्वेश्चन देखो पूछ चुके हैं किसी ना किसी तरीके से रीफ्रेम करके तो इसीलिए क्वेश्चन जो है वो रीफ्रेम होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बुद्ध स्क्रिप्चर uh, जो है जो अर्ली बुद्ध ये इन बुद्धिस्ट प्राकृत पाली संस्कृत और पिक्टोग्राफिकल टेक्स्ट तो अब ये आंसर बहुत ईजी हो जाना चाहिए क्वेश्चन के लिए दैट इज पाली टेक्स्ट क्लियर मिहिर भोज वॉज द रूलर ऑफ ये कहाँ के रूलर थे अभी पहले भी ऑप्शन में आ चुके हैं एंड ही वॉज जैसे मैंने आपको बताया ही डिवोटी ऑफ विष्णु तो uh, कहाँ के रूलर रह चुके हैं ये ही इज अ रूलर ऑफ प्रतिहारा ठीक है अब मैंने बताया भी था जब मिहिर भोज के बारे में आई थिंक नाइनटीन्थ क्वेश्चन कुछ था जब इनके बारे में डिस्कस किया था ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रीन डिड दी चाइनीज ट्रैवलर फाहिन विजिट इंडिया देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि, कि किसके टाइम पे कौन आया और जब वो आए तो वो क्यों आए रीजन क्या था कौन से टाइम फ्रेम में आए तो ये क्वेश्चन इस, इस तरीके के पूछे जाते हैं तो गुप्ता अब यहाँ पे लिख रखा है कि ड्यूरिंग अब गुप्ता किंग ये तो पता है लेकिन ड्यूरिंग विच गुप्ताज ट्रेवलर फाहन वो विजिटेड इंडिया तो चंद्रगुप्त सेकेंड जो है उनके टाइम फ्रेम में जो फाहन है उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया था जो कि एक चाइनीज ट्रेवलर है ठीक है अब अगला है मैच द फॉलोइंग अब यहां पर यही कॉलम वन और कॉलम टू है मैं अगर लिखना चाहूं तो ये बृहदेश्वर टेम्पल और यहां पे कॉलम टू के अंदर है उड़ीसा ठीक है और उसके बाद सेकेंड इज दिलवार दिलवारा तो ये ऑप्शन बी इज तमिलनाडु और उसके बाद ऑप्शन थर्ड इज लिंगराज एंड सी इज कर्नाटका प्लेसेस का नेम और एक जगह टेम्पल दे रखा है लिंगराज टेम्पल एंड फोर्थ इज बेसिकली आप बोल सकते हो हम्पी ग्रुप एंड द प्लेस इज राजस्थान मॉन्यूमेंट्स तो अब आ, अगर हम इसे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में देखें तो इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन सी तो जहां पर ब्रियदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु के अंदर है दिलवारा टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है लिंगराज टेम्पल सॉरी जो लिंगराज टेम्पल है वो उड़ीसा में है दिलवरा टेम्पल राजस्थान के अंदर है एंड फोर्थ इज हम्पी जो कि आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा क्लियर तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर मूविंग अहेड अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द सर्कल ऑफ द सारनाथ पिलर सारनाथ पिलर के बारे में आई थिंक आपको पता होगा विच हैज बिन एडोप्टेड एज नेशनल Emblem of India. Or right? Sarnath is the first site of, of the Buddha's first sermon where he shared four noble truths. अब तो ये चार नोबल ट्रूथ कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे फोर नोबल ट्रुथ कौन से हैं तो अब यहां पर आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द सर्कल ऑफ द सारनाथ पिलर तो इट सिंबलाइजेस एट फोल्ड पाथ जिनकी जिन्होंने फिलोसफी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा इसके बारे में अब ऑप्शन एसोसिएटेड इससे राइट कौन सा है वो देख लेते हैं प्रोग्रेस जो है इंडिकेट सर्कल ऑफ द सारनाथ पिलर जो कि एट फोल्ड पाथ को जो है टुक दैट फॉर्म और फिर सारनाथ पिलर के

कौन सी लोकेशन पे आपको स्कल्प्टर ऑफ चैरियोट ऑफ हड़प्पन टाइम इट वाज फाउंड एट विच लोकेशन स्कल्प्टर ऑफ चैरियोट ऑफ हड़प्पन टाइम वाज फाउंड तो कौन सी प्लेस पे मिले दैट इज दाइमाबाद ऑप्शन सी मूविंग अहेड हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अटेन द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज तो कौन से गुप्ता पहले फर्स्ट गुप्ता रूलर जिन्हें ये टाइटल मिला दैट इज चंद्रगुप्त वन तो ही वॉज द फर्स्ट गुप्ता रूलर हु अटेन दिस टाइटल क्या टाइटल था महाराजा धीराज क्लियर शोध घाय इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी कंट्री के अंदर है तो ये पाकिस्तान में नहीं अफगानिस्तान के अंदर है। है तो तो ध्यान रखना। तो इनमें से कौन सी प्लेस है? That does not have a stupa. सांची में भी है, है, है। में में भी है, धमेक में भी धमेक के अशोका चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसरा और बृहद राठा तो इसको इनको किसने डिफीट किया था सेलिकस निकेटर को ऑप्शन ए दैट इज अशोका ठीक है सॉरी सेलिकस निकेटर को uh, डिफीट किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्या जो है उन्होंने डिफीट किया था सेलिकस uh, निकेटर को क्लियर मूविंग अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द आप बोल सकते हो अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूताज तो राष्ट्रकूताज की अर्ली कैपिटल जो है वो कौन सी थी दैट इज एलोरा ऑप्शन बी क्लियर आगे चलते हैं। The गुप्ता जो फाइन। तो गुप्ता एक फाइन जो है, है। जिसको क्या बोला जाता था, वो पूछा गया तो तो ये जो है ये एक टैक्स है, है जिसे आप बोल सकते हो प्लफ टैक्स जो गुप्ता रूलर जो है वो इम्पोज करते थे अब वापस से वही क्वेश्चन है टेक्स दे वर रिटन इन लैंग्वेज आई होप ये ये तो सबको पता चल गया होगा दैट इज पाली द यूनिवर्सिटी जो बहुत फेमस हो गई इन द पोस्ट गुप्ता एरा तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी दैट वॉज नालंदा यूनिवर्सिटी फर्स्ट रूलर मगध के फ्रॉम दी हरियनका डायनेस्टी पहले रूलर कौन से थे दैट इज तो बिम्बिसरा फर्स्ट रूलर थे ऑफ मगध फ्रॉम दी हरियंका डायनेस्टी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अशोकाज कैंपेन अगेंस्ट कलिंगा तो ये अशोकाज से रिलेटेड और इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड काफी क्वेश्चन होते हैं कि कौन से इन्फॉर्मेशन है कौन से रूलर की है कौन से किंग की है तो अब ऐसे ही अशोकाज का जो कैंपेन था अगेंस्ट कालिंगा इसकी जो इंफॉर्मेशन है इसका प्रिंसिपल सोर्स जो है वो है रोक एडिक्ट थर्टी ऑप्शन डी ंग दॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो है वो पूछे गए हैं जिसका राइट right आंसर क्या है वो हमें बताना है दैट इज धनानंद ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कालिंगा वॉर कब हुआ था कालिंगा वॉर टूक प्लेस इन विच ईयर तो कौन सा ईयर था टू सिक्सटी वन बी सी दैट इज ऑप्शन ए

वर्धमान महावीरा इज ऑल्सो नोन बोला बोला जाता था जीना दैट इज ऑप्शन ए गुप्ता एरा वॉज स्टार्टेड बाय हूम तो गुप्ता एरा को किसने शुरू किया था इट वॉज स्टार्टेड बाय श्री गुप्ता दैट इज ऑप्शन बी तो ही वॉज द वन हुड द गुप्ता एरा Which inscription mentions, देखो फिर से इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन हो गया विच इंस्क्रिप्शन में विज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दोलास तो चोलास के टाइम पे विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है कौन सी इंस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है दैट इज ऑप्शन बी उत्तर मेरूर इस इंस्क्रिप्शन के बारे में अभी क्वेश्चन भी था ये क्वेश्चन में ही इंस्क्रिप्शन मेंशन थी तो देखो कैसे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मूविंग अहेड विच वॉज द बैकबोन ऑफ इंडस इकोनॉमी इंडस इकोनॉमी की बैकबोन क्या थी एग्रीकल्चर ट्रेड व्हीलमेड पोट्री या फिर कारपेंट्री तो एग्रीकल्चर जो है वो इंडस इकोनॉमी की बैकबोन रही है वरा मेरा इज uh, ये कौन है एस्ट्रोनॉट है स्पेस शटल है पावर स्टेशन है या एक एंशियंट एस्ट्रॉनमर रहे है तो इन ये कौन है एन एंशियंट एस्ट्रॉनोमर द ऑरिजन ऑफ इंडियन म्यूजिक कुड बी ट्रेस टू तो इंडियन म्यूजिक अगर आपने वेद, वेदा पढ़े है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर वेद तो पता होगा इंडियन म्यूजिक जो है इट कुड बी ट्रेस टू विच विच वेद तो आंसर इज ऑप्शन सी सामवेद संहिता uh, जहां से इंडियन म्यूजिक जो है आप उसकी इट कुड बी ट्रेस टू दिस दिस वेद कॉइन और विच ऑफ द फॉलोइंग रिवील देर लव फॉर म्यूजिक तो बेसिकली आंसर इज गुप्ताज द कॉयंस जो है गुप्ताज बेसिकली ऑफ दे बेसिकलीज कॉन्स उनके इट रिवीज देयर लव फॉर द म्यूजिक मूविंग अड विच ऑफ द ऋग्वेद मंडल इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोम सेवेंथ एट्थ नाइंथ मंडल या फिर टेंथ मंडल नाइन्थ मंडल जो है इसका आंसर है दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा रिग वैदिक सिविलाइजेशन सिचुएटेड अभी यही रिवर पहले भी मैंने आपसे डिस्कस करी है कौन सी रिवर के पास मोस्ट ऑफ द रिग वैदिक सिविलाइजेशन हुई हैं तो आंसर इज सरस्वती क्लियर आगे चले रवि कृति की जैन हु कंपोज ए होल परहस्ती वॉज पेट्रोनाइज बाय तो ऑप्शन है चार आपको बताना है एंड द राइट आंसर इज पुलशन सेकेंड तो पुलकेशन सेकंड जो है ही जो रवि कीर्ति हैं जो जैन हैं जिन्होंने अहोल प्रहस्ति कंपोज किया हु कंपोज दिस वाज पेट्रोनाइज बाय पुलकेशन सेकंड हु बिल्ड द फेमस वैकुंठ पेरोमिल टेम्पल एट कांचीपुरम क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि वैकुंठ पेरोमिल टेम्पल कहाँ पर है कांचीपुरम में है दूसरा सवाल ऐसे पूछा गया कि किसने बनाया है ये फेमस टेम्पल तो ये भी पता होना चाहिए तो आंसर इज वर्मन सेकेंड जो है उन्होंने इसको बिल्ड किया था अशोका कौन सी डायनेस्टी के किंग है अशोका वॉज अ किंग ऑफ विच डायनेस्टी तो ये तो बहुत ही इजी सा सवाल है मॉडर्न डायनेस्टी से अशोका है महाबलीपुरम वॉज फाउंडेड बाय तो महाबलीपुरम जो है इट वॉज फाउंडेड बाय वर्मन ऑप्शन बी जो है इट इज अ राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग पिलर इज अ टाइप ऑफ रोक कट पिलर तो इनमें से कौन सा जो पिलर है इट इज अ टाइप ऑफ रोक कट पिलर दैट इज मॉरियन पिलर ऑप्शन सी मूविंग हेड उपनिषद क्या द उपनिषद आर ये ग्रेट एपिक्स हैं स्टोरी बुक्स हैं सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी या फिर लॉ बुक तो क्या है उपनिषद सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी मैंने बोला ना जिन्होंने थोड़ी फिलोसफी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा Which of the following Pallava king assumed the title of Vatapi Konda after defeating and slaying the great Chalukyan king Pulakeshin II? तो यहां पर आपको बताना है कौन से Pallava king जिन्होंने ये जिन्हें ये टाइटल मिला था when he defeated the Chalukya king Pulakeshin तो कौन से Pallava king हैं वो जिनका नाम आपको बताना है that is Narasimhavarman I जिन्होंने ये टाइटल लिया था क्वेश्चन अगली बार ऐसे भी आ सकता है कि ये टाइटल किसको मिला था या फिर ये टाइटल लिख दिया जाएगा तो यहां पर नाम लिख दिया जाएगा नरसिंह वर्मन वन का कि इनको कौन सा टाइटल मिला था व्हेन ही डिफीटेड दी चालू कैन इज वापी कौंडा द कास्ट सिस्टम ऑफ इंडिया जो इंडिया कास्ट सिस्टम है इट वॉज क्रिएटेड फॉर किस लिए क्रिएट हुआ था बिकॉज ऑफ इट वॉज क्रिएटेड फॉर फॉर द डिग्निटी ऑफ लेबर या फिर डिविजन ऑफ लेबर इट वॉज क्रिएटेड फॉर ऑक्यूपेशनल डिवीजन ऑफ लेबर विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज़ अचीवमेंट ऑफ समुद्र गुप्त हु वॉज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया पहले पूछा गया था नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है तो यहां उस टाइम आप आंसर क्या था समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त अब इस बार पूछा गया है 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 कि विच पिलर कौन सा इसमें से जिन्होंने रिकॉर्ड किया है for his conquest. मैंने बताया था ना अपने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के लिए वो बहुत जाने जाते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया तो कौन सा पिलर इंस्क्रिप्शन है अलाहाबाद पिलर मूविंग क्वेश्चन विच वन ऑफ द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस इन इंडिया तो इसमें से कौन सा लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दैट वॉज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया द राइट आंसर इज ऑप्शन डी एक मिनट यहां बोल देते हैं ऑप्शन डी दैट इज वंशत पक्षिनी दैट इज द लास्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया क्लियर सो मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कुलकेशन सेकेंड ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ तो कहाँ के रूलर थे ये चालुक्यज ऑफ बदामी यहाँ के रूलर थे रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी टाइम फ्रेम इनका बताऊँ तो 610 हंड्रेड टेन टू सिक्स फोर्टी टू ये इनका टाइम फ्रेम रहा है और किंगडम इनका एक्सटेंड करा ओवर द मोस्ट पार्ट ऑफ डेके क्लियर तो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड टू द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब आपको पता भी चल गया होगा लुम्बिनी जो है इट इज द प्लेस दैट इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध अशोका ने यहाँ पर विजिट भी किया था एंड दिस प्लेस इज एक्टेड फ्रॉम टैक्स ऑल्सो ठीक है तो मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन कोलतुंदू वलनंद एंड तेकुमकुरशियंट स्मॉल टाइम किंगडम्स अब ये कौन से स्टेट ऑफ इंडिया के किंगडम्स uh, रहे हैं तो केरला गुजरात बिहार और कर्नाटका तो इसका राइट right आंसर क्या है दैट इज केरला ठीक है आगे चले विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज थॉट टू हैव डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक विद मेजोपोटामिया तो इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट ऐसी है जिसका डायरेक्ट सी ट्रेड लिंक रहा है मेजोपोटामिया के साथ तो आंसर इज ऑप्शन बी लोथल तो ये जगह का नाम ध्यान में रखना इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज इज बीइंग ऑफ द द फॉलोइंग वाज़ कैपिटल ऑफ चोला किंग्स तो चोला किंग्स की uh, इनमें से आपको बताना है कि विच ऑफ द कैपिटल वाज ऑफ द चोला किंग्स तो इसका राइट right आंसर क्या है दैट इज ऑप्शन बी तंजोर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डैश इज्यूम द टाइटल ऑफ गंगाई कोंड चोला और दौनकरर ऑफ रिवर गंगा तो इनमें से किसको ये टाइटल मिला या फिर आप बोल सकते हो कॉन्करर ऑफ रिवर गंगा तो ये टाइटल किसे दिया गया ये दिया गया था राजेंद्र चोला वन ऑप्शन सी इन्हें दिया गया था क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है तो ये सब चीजें थोड़ा ध्यान में रखो आगे चलते हैं आफ्टर एलेक्स डेथ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इज एम्पायर के डेथ के बाद जो ईस्टर्न पार्ट था उनका एम्पायर का वो किसके अंडर आ गया वो था ऑप्शन ए सेलेकस निकेटर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो हु न्याय सूत्र अब न्याय सूत्र किसने लिखा ये किसने लिखा था ऑप्शन बी गौतम गौतम ने लिखा था न्याय सूत्र वट वॉज द हिस्टोरिकल नेम ऑफ द सिटी गुवाहाटी गुवाहाटी आपने सुना होगा अब गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम जो है वो पूछा गया है दैट इज ऑप्शन डी प्राग ज्योतिषपुर तो यहां पर ये गुवाहाटी का हिस्टोरिकल नेम रह चुका है ध्यान में रखना आगे चलते हैं Who was, uh, लिचावी दोहित्र? अब इनमें से कौन है जिन्हें कहा गया था इसके बारे में अगर आप इनका नाम बताएंगे तो पहले भी मैंने इनके बारे में डिस्कस किया था जिन्होंने लिच्विज प्रिंसेस के साथ आ, शादी करी और फिर डोरी में उन्हें एक प्लेस भी मिली थी तो प्रीवियसली लास्ट क्वेश्चन था उसी से एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है तो नाम है चंद्रगुप्त वन ठीक है अब उसके बाद आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा वेद इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेद त्राई अब क्या है त्राई विद्या जिसको आप थ्री फोल्ड नॉलेज भी बोलते हैं थ्री फोल्ड नॉलेज उसके अंदर तीन वेद आते हैं अब इसमें से ये पूछा गया कि कौन सा वेद जो है त्राई विद्या का पार्ट नहीं है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद तो इसमें से कौन सा नहीं है अथर्ववेद नहीं है बाकी तीनों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये तीनों वेद जो हैं ये त्राई विद्या यानी थ्री फोल्ड नॉलेज का जो है वो पार्ट है Moving ahead, अब आपको अरेंज करना है अरेंज करना है इन एन ऑर्डर एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में द फॉलोइंग मगर डायनेस्टीज जिसमें नंदास, शिशुंगास मौर्यास और हरियाणकास। तो आपको जो इसको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट right आंसर है जिसमें पहले आते हैं हरे और फिर उसके बाद सेकेंड चिशुंगाज फिर फर्स्ट नंदास एंड फिर लास्ट में थर्ड मौर्यास तो ये इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो कभी भी जब पढ़ो एंशियट हिस्ट्री को तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी तो क्रोनोलॉजिकली चाहे कोई भी हिस्ट्री हो एंशेंट हो मिडाइवल हो मॉडर्न हो एक सीक्वेंस जो है वो आपको पता होना चाहिए डेट्स चाहे नहीं भी याद हो बट एक सीक्वेंस हमेशा अपने माइंड में जो है वो रखा करो ठीक है तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे लोथल जगह का नाम बहुत ही फेमस है तो किस लिए फेमस है ये रोकट आर्किटेक्चर के लिए डॉकयार्ड के लिए कॉटन कल्टीवेशन के लिए या फिर पॉटरी के लिए तो इसका राइट आंसर है डॉकयार्ड डॉकयार्ड के लिए बहुत ही फेमस लोथल अगर मैं डॉकयार्ड का साइज बताऊं तो वन ट्वेंटी फिट बाय सेवेंटी फिट ये इसका साइज है दैट मेक इट यूनिक अब लोथल जो है अगर मैं इसकी लोकेशन से भी थोड़ी बात कर लेती हूँ तो एक रिवर है जिसका नाम है भुगाव रिवर तो ये ट्रिब्यूटरी है साबरमती की साबरमती की ट्रिब्यूटरी के पास ये जो लोथल है ये इसकी लोकेशन है एंड लोथल इज द ओनली पोर्ट टाउन कल को पूछा भी जाए तो पता होना चाहिए इट इज पोर्ट टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन और एक लोथल जो है, major, आप बोल सकते हो हड़प्पन ट्रेडिंग सेंटर जो फ्लरिश किया बिटवीन 2400 टू 1900 हंड्रेड बी सी दैट वॉज नन अदर देन बट लोथल तो लोथल में ही एक डोक जिसका साइज मैंने आपको बताया इट इज यूनिक और ये फेमस है इसलिए तो लोथल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है यहाँ से भी काफी क्वेश्चन फॉर दी ओनली पोर्ट टाउन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन क्लियर वन भट्ट वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ विच एम्पर ये क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है इससे एसोसिएटेड तो हर्षवर्धन के बेसिकली ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट right आंसर बनता है वन भट्ट वॉज द कोर्ट पॉइंट ऑफ हर्षवर्धन ठीक है मूविंग अड ड्यूरिंग विच डायनेस्टीज तो इनमें से आपको बताना है कि ड्यूरिंग विच डायनेस्टीज महाबलीपुरम टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड तो महाबलीपुरम टेम्पल अब इनमें से कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे कंस्ट्रक्ट हुआ था तो पहले तो हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं जो कि है पल्लवा डायनेस्टी महाबलीपुरम टेम्पल जो है बहुत ही स्ट्रक्चर टेम्पल है सर्दर्न इंडिया के अंदर तो और साथ ही साथ इसको एक नॉलेज किया जाता है एज दी फर्स्ट स्टोन स्ट्रक्चर एज द फर्स्ट स्टोन स्ट्रक्चर मेड बाय पल्लवास तो महाबलीपुरम टेम्पल पल्लवा डायनेस्टी के अंदर इट वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड इट इज वन ऑफ दी स्ट्रक्चर्ड टेम्पल आप बोल सकते हैं अर्लिएस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टेम्पल जो सउदर्न इंडिया के अंदर कंस्ट्रक्ट हुआ था दैट वॉज महाबलीपुरम टेम्पल राइट right?

चोला टेम्पल देवर डेडिकेटेड टू तो चोला जो मोस्टली चोला टेम्पल्स हैं ये किसको डेडिकेटेड थे ऑप्शन ए गणेश ऑप्शन बी शिव ऑप्शन सी दुर्गा और ऑप्शन डी विष्णु तो चोला टेम्पल्स मोस्टली देवर डेडिकेटेड टू शिवा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आगे चले हाँ जी तो विच केव्स आर अ नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टेड केव्स तो इनमें से कौन से केव्स अजंता एलोरा एलिफेंटा बदामी तो इनमें से कौन से केव्स हैं दे आर दी नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टेड स्कल्प्टेड केव्स जो मुंबई हार्बर के पास लोकेटेड है तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं दैट इज ऑप्शन सी एलिफेंटा केव जो है दे आर अ नेटवर्क ऑफ स्कल्प्टेड केव्स ये आपको एलिफेंटा आइलैंड एलिफेंटा आइलैंड है मुंबई इन द मुंबई हार्बर तो ये यह यहां पर uh, ये यह, लोकेशन uh, इसकी है एंड दिस आइलैंड कंसिस्ट ऑफ सम हिंदू एंड सम बुद्धिस्ट केव्स और इवन एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग ध्यान में रख लो 1987 एटी सेवन में इट वॉज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो ठीक है एलिफेंटा uh, की मैं बात कर रही हूं आगे चलते हैं साइट ऑफ द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध इज बाय अब ये आपको पता होना चाहिए गौतम बुद्ध की जो बर्थ साइट है इससे काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं इट इज बाय रोमिंदे पिलर ऑफ अशोक मौर्य तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट right आंसर है मूविंग अहेड मेहरौली पिलर के बारे में आपने सुना होगा कुतुब मीनार में इट इज प्राइमरिली फेमस फॉर तो ये जो पिलर है ये किस लिए फेमस है इट इज फेमस फॉर इट्स एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ स्टील तो इसलिए जो है ये फेमस है ठीक है आगे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज एसोसिएटेड विद ए होल इंस्क्रिप्शन तो इनमें से कौन सी डायनेस्टी जो है इस ए होल इंस्क्रिप्शन से एसोसिएटेड है इस इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा और भी बताऊंगी ये जो इंस्क्रिप्शन है टॉक्स अबाउट द डिफीट ऑल्सो आंसर अभी बताती हूं पहले इस इंस्क्रिप्शन की बात करूं तो दिस इंस्क्रिप्शन ऑल्सो टॉक्स अबाउट द डिफीट किसकी डिफीट ऑफ हर्षवर्धन ठीक है ऑफ हर्षवर्धन तो हर्षवर्धन की डिफीट के बारे में भी बात करते हैं बाय पुलकेशन सेकंड और साथ ही साथ इस इंस्क्रिप्शन में आल्सो इट आल्सो मेंशंस दी विक्ट्री किसकी विक्ट्री चालुक्यास की विक्ट्री तो चालुक्यास की विक्ट्री ओवर पल्लवास तो यहां पर इस इंस्क्रिप्शन में इसका भी एक रेफरेंस है अब ये सवाल है इस इंस्क्रिप्शन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सी डायनेस्टी इज एसोसिएटेड विद इट अब पता चल जाना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया भी है कि चालुक्यास की विक्ट्री में कभी इसमें बताया गया है तो ऑब्वियसली ऑप्शन बी चालुक्या डायनेस्टी जो है वो इसका राइट right आंसर है चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त बेसिकली इसका राइट आंसर है एंड दिस ग्रीक एम्बेसिडर मेगास्थी वॉज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त रूलर ठीक है तो मूविंग अड विद नेक्स्ट क्वेश्चन हु आर दैटर्न ऑफ संगम लिटरेचर तो इनमें से who were the patrons of sangam literature so the right answer is pandyas pandyas were the patrons of sangam literature when did the best production of gandhara sculpture appear to so question पूछा जा रहा है कि किसके पीरियड में मौर्यंस के कुषाण्स गुप्ता और हर्ष किसके पीरियड के अंदर द बेस्ट प्रोडक्शन ऑफ गांधारा स्कल्पचर अपीयर होती है तो so इसका राइट आंसर इज कुषाण्स पीरियड ऑप्शन बी क्लियर वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस वॉज एसोसिएटेड विद ये मदर गॉडेस की जो वर्शिप है ये आर्यन सिविलाइजेशन मेडिटरेनियन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन और लेटर वैदिक सिविलाइजेशन तो बहुत ही ईजी आंसर है अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने काफी सुना होगा दैट इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दर्शिप ऑफ मदर गॉडेस किंग हर्षवर्धन एक्सटेंडेड द्रोन ऑफ थनेश्वर एंड खनोज ऑन द डेथ ऑफ इज ब्रदर अब उनका नाम क्या है वो आपको बताना है और उनका नाम है राज्यवर्धन तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है फाउंडर ऑफ वकातक डायनेस्टी इन द थर्ड सेंचुरी थर्ड सेंचुरी में वकातक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम आपसे पूछा गया है जो है विंध्या शक्ति ऑप्शन सी विंध्या शक्ति इज द फाउंडर ऑफ वका का डायनेस्टी और कौन सी सेंचुरी में थर्ड सेंचुरी के अंदर Moving ahead with the next question. Question पूछ रहा है first Buddhist council में ऐसे ही आपको जितनी भी Buddhist councils हुई ना उनके बारे में पता होना चाहिए अब ये क्वेश्चन कहाँ पर हुई पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी राजगृह के अंदर दैट इज ऑप्शन सी 483 एटी थ्री बी सी में राजगृह में हुई थी एंड अंडर द रीन ऑफ तो बेसिकली उस टाइम पे कौन थे वो थे अजाता शत्रु अजाता शत्रु के रीन में 483 एटी बीसी में राजगृह के अंदर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी लेकिन एक और चीज भी इंपॉर्टेंट है इट वॉज स्पेलिंग लिख देती हूँ एम ए एच ए के ए डबल एस ए पी ए महाकसप जो है प्रिजाइडेड दी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि 483 एटी थ्री बी में अंडर द रीन ऑफ अजाता शत्रु राजगृह के अंदर हुई थी क्लियर आगे चलते हैं विच ऑफिशियल वर अपॉइंटेड बाई अशोका टू टीच पीपल अबाउट धम्मा धमा के बारे में लोगों को टीच करने के लिए कौन से ऑफिशियल्स अशोका ने अपॉइंट किए थे तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी धम्मा महामत तो ये जो है इनको अपॉइंट किया गया था अशोका के द्वारा टू टीच पीपल अबाउट दी धम्मा एट टाइप ऑफ मैरिजेस देर वर ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड अब क्वेश्चन पूछा गया है विच वन ऑफ देम इज अ लव मैरिज तो इसका आंसर है गंधारा विवाह दिसरिज दैट इज लव मैरिज ड्यूरिंग दैदिक पीरियड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पलास पलास के डिक्लाइन के बाद कौन सी डायनेस्टी ने बेंगाल के अंदर अपना रूल जो है वो एस्टेब्लिश किया था तो उसका आंसर क्या है इसका आंसर है ऑप्शन ए सेना डायनेस्टी ये डायनेस्टी थी जिन्होंने बंगाल में रूल किया अपना डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी इट्स रूल इन बंगाल किसके डिक्लाइन के बाद पल्लास के डिक्लाइन के बाद क्लियर पिल्लर्ड हॉल्स वर दुद्ध वे आर द बुद्धिस्ट मॉन्ग्स वर्शिप वर नोन एज अगर बुद्धिज्म uh, जैनिज्म पढ़ा है तो ये तो बहुत ही फेमस uh, uh, बोल सकते हो टॉपिक और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है चैत्यज और विहार के बारे में आपने सुना होगा जिसमें जो चैत्यज हैं अगर आपने सुना हो दे आर दी प्रेयर होल्स जिन्हें बोला जाता है तो पिलर होल्स जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्ग वर्शिप करते हैं प्रेयर होल्स हैं तो क्या किन किन क्या बुलाया जाता है इनको दैट इज ऑप्शन बी

खजुराहो तो ये बहुत ही फेमस टेम्पल खजुराहो टेम्पल जो है चंदेला किंग रिलेटेड टू खजुराहो टेम्पल अगला क्वेश्चन बोला पूछा जा रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है जब ये नॉट लग जाता है तो बुद्धिज्म इनमें से पूछा गया है कि इट इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म कौन सा इनमें से बुद्धिज्म का सेक्ट नहीं है तो ऑप्शन सी महायान हीनयान और थेराद ये बुद्धिज्म के सेक्ट है दिगंबर अगर आपने सुना होगा दिगंबर और श्वेतांबर ये किसके सेक्ट्स हैं जैनिज्म के सेक्ट्स हैं अगर आपने सुना हो दिगंबर वो कौन होते हैं मॉन्स हु वियर वाइट क्लोथ सॉरी मॉन्स विद जो आर दिगंबर्स लेकिन जो दूसरा सेक्ट है दैट इज श्वेतांबर वो बेसिकली सेक्ट है वेयर मोम्स वीयर वाइट क्लोथ्स ठीक है तो ये डिफरेंस है वाइट क्लोथ्स क्लोथ्स एंड डू नॉट टू आर दी एसोसिएटेड विद जैनिज्म अगले क्वेश्चन पे चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेद त्राय अभी मैंने आपको बताया था तीन वेदास और वापस से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन इस बार बोल वापस से यही क्वेश्चन है और यही पूछा जा रहा है विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेद त्राय

चाइनीज पिलग्रेम जो इंडिया के अंदर विजिट किए थे uh, किसके टाइम पे चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे इन्होंने विजिट किया था और ये आए क्यों थे ही केम टू ट्रेस दरिजन ऑफ बुद्धिज्म ठीक है बुद्धिस्ट रिलीजन तो इसीलिए ये आए थे मलेशिया से नहीं ये बॉज अ चाइनीज पिलग्रेम क्लियर मूविंग अहेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन फेमस रोक कट टेम्पल ऑफ कैलाश इज एट तो ये फेमस रोक कट टेम्पल जो पूछा गया है ये कहाँ पर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है एलोरा के अंदर आपको ये फेमस जो टेम्पल है ये देखने को मिलेगा अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री डिड क्षत्रियस हैव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी तो कौन से इनमें से पीरियड में क्षत्रियज की एक दे हैड अ डिस्टिंक आइडेंटिटी तो कौन सा पीरियड था एज ऑफ बुद्धा बुद्धा की एज में क्षत्रिय आइडेंटिटी टोलका पियम इन संगम एज इट इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ डैश लिटरेचर तमिल लिटरेचर तेलुगु लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर और कन्नड़ लिटरेचर तो तमिल लिटरेचर इसका आंसर है टोलका पियम इन संगम एज इट इज द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ तमिल लिटरेचर

कौन पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस में अभी मोहन जो आपको देखने को मिलेगा कहां पर है ये ऑप्शन डी सिंध में तो ध्यान में रखना बराबर केव्स द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग रॉक कट केव्स इन इंडिया दे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड तो ये कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं बराबर केव्स जो कि रॉक कट केव्स है मौर्य एम्पायर तो ऑप्शन सी जो है वो इसे एसोसिएटेड राइट आंसर है अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ हाउ मेनी ग्रेट पावर्स दे एग्जिस्टेड इन दैवेंथ एंड दी अर्ली अर्लीचुरी बी सी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध तो इसे एसोसिएटेड ऑलरेडी एक पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है सिक्सटीन बेसिकली uh, uh, बोल सकते हो ग्रेट पावर्स या महाजनपथ दे एग्जिस्टेड इन एंड दी दिक्कत सेंचुरी बी सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गौतम बुद्ध खजुराव टेम्पल अभी इसी अभी पहले इसे क्वेश्चन पूछा गया था ना अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये खजुराव टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अंदर खजुराव टेम्पल जो है लोकेटेड है तो एमपी ध्यान में रखना जहां पर खजुराव टेम्पल लोकेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेंस वॉज इशूड इन सिल्वर ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड तो गुप्ता पीरियड में इनमें से कौन से कॉइन्स सिल्वर के अंदर जो है वो इशू किए गए थे दैट इज रुपय ऑप्शन सी रुपये जो है ये कॉइन सिल्वर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिल्वर में इशू करे गए थे और कौन से पीरियड में करे गए थे गुप्ता पीरियड में करे गए थे तो यहां से सवाल कल को पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से नेक्स्ट इज द बुद्धिस्ट मॉन्ग जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में स्प्रेड किया तो उनका नाम बताना है कौन से बुद्धिस्ट मोंग थे पद्म संभव तो ऑप्शन डी पद्म बुद्धिस्ट मॉन्ग थे जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत के अंदर स्प्रेड किया था वो डिस्कवर दी रूट टू इंडिया तो इंडिया में सी रूट अगर किसी ने पढ़ी हो मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ी हो तो उसका भी एसोसिएटेड ये क्वेश्चन है तो इसका राइट right आंसर बहुत ही ईजी होगा अगर किसी को पता हो ऑप्शन uh, क्या है ऑप्शन ए वास्को वास्को डिगामा जो कि पोर्टुगीज सेलर हैं, ही डिस्कवर्ड दी रूट टू इंडिया मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन विजिटेड कांचीपुरम पहले तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि ही विजिटेड कांचीपुरम कांचीपुरम क्या है द कैपिटल ऑफ पल्लवास अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है हैंग विजिटेड कांचीपुरम द कैपिटल ऑफ पल्लवास लेकिन अब पूछा जा रहा है ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर तो कौन से रूलर्स के टाइम पे ऐसे क्वेश्चन बहुत आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं तो इसका आंसर है नरसिम वर्मन वन ऑप्शन सी इनके कार्यकाल में अंडर हिज रूल विजिटेड कांचीपुरम दैट इज द कैपिटल ऑफ पल्लवास चोला स्टेट हैड टू फेस द अटैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकुता रूलर्स तो चोला स्टेट ने हैड टू फेस द अटैक ऑफ इनमें से कौन से राष्ट्रकुता रूलर का अटैक चोला ने फेस किया था चोला स्टेट ने दैट इज कृष्ण थर्ड ऑप्शन सी तो ये जो है इसका राइट right आंसर है दे हैड टू फेस द अटैक ऑफ कृष्ण थर्ड जो कि राष्ट्रपिताज रूलर है फर्स्ट सेरमेन ऑफ बुद्धा उनको उसको क्या बोला जाता है जो फर्स्ट सेरमेन है बुद्धा का व्हाट इज द फर्स्ट सेरमेन ऑफ बुद्धा कॉल्ड एज तो उसको बोला जाता है ऑप्शन बी अगर मैं इसको बोलूं तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज सेटिंग इन द मोशन ऑफ व्हील व्हील ऑफ धम्मा सेटिंग इन द मोशन द व्हील ऑफ धमा दैट इज धर्म चक पवतन सुत तो ये इसका नाम है इफ आई एम प्रनाउंसिंग इट थोड़ा रॉन्ग दें रियली सॉरी बट ये नाम आपको ध्यान में रखना है आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हो धर्म चक पवत सु तो व्हील ऑफ धर्म द धमा दिस इज द फर्स्ट सेरमेन ऑफ बुद्धा जिन्हें बोला जाता है ठीक है आगे चलते हैं हु द फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा फाउंडर पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर पुलिस वन दैट इज ऑप्शन डी तो ये इसका राइट right आंसर है जो कि चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं इससे एसोसिएटेड क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है अगले पे चलते हैं क्वेश्चन पे विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स वाज नॉट एक्सपोर्टेबल इन दी पोस्ट गुप्ता पीरियड तो <toh>, गुप्ता पीरियड में ये एक्सपोर्टेबल नहीं था जबकि इसे इंपोर्ट किया जाता था अब क्या है इंडिया जो है इट वॉज फ्लरिश्ड विद आयरन गोल्ड सिल्वर अगर आपको ध्यान हो तो गुप्ता पीरियड में कॉइन्स जो हैं ठीक है गुप्ता गवर्नमेंट प्रोड्यूस कॉइन्स आल्सो क्यों क्योंकि उस टाइम पे आयरन गोल्ड और सिल्वर इट वाज एबेंडेंट इन इंडिया टिन नहीं था टिन वाज इंपोर्टेड तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टिन क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा एक्सपोर्ट नहीं करते थे एक्सपोर्ट अगर इंडिया में होगा ही नहीं तो एक्सपोर्ट कैसे करेंगे तो टिन नहीं था right आगे चलती हूँ अगले क्वेश्चन पे हाउ मेनी आश्रम रिकोगनाइज अराउंड टाइम ऑफ एंड बुद्धिज्म तो जेनिज्म के टाइम पे कितने आश्रम को रिकोगनाइज करा था तो उसका आंसर है ऑप्शन बी चार आश्रम दैट ऑज फोर आश्रम वर रिकोग्ज अराउंडाइम प्रिंस ऑफ बिलग्रिम्स ये नाम किसको दिया गया प्रिंस ऑफ बिल्ग्रिम वॉज नेट्रीब्यूटेड टू ह्यूंत सांग ऑप्शन बी ठीक है तो ऑप्शन बी पे टिक कर लेते हैं ह्यूंत सांग इज द राइट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्क्योलॉजिकल साइट हैज द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सी आर्क्योलॉजिकल साइट है जिसका एविडेंस एविडेंस ऑफ वहां पर पिट ड्वेलिंग्स जो है वो देखने को मिली थी और ये कश्मीर के अंदर है अब तो अगर आप मैं इतना भी बताऊं तो ये फिर भी आपको आइडिया लग जाना चाहिए बुर्ज होम ऑप्शन बी दैट इज लोकेटेड इन कश्मीर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर तो दिस इज द साइट दैट हैज एविडेंस ऑफ पिट हैम इन कश्मीर वैली हु द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे इजी है विष्णु गुप्ता फाउंडर और लास्ट वन ये तो पता ही होने चाहिए है ना अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था कब 326 B.C. में 326 B.C. में कॉन्क्वेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन तो इसमें से कौन से इंस्क्रिप्शन में आ, बेसिकली आप बता सकते हो कि हर्षवर्धन के जो वला कॉन्क्वेस्ट है इट इज फाउंड तो कौन से इंस्क्रिप्शन में बताया गया है दैट इज ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो ऑप्शन सी कोपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इस इंस्क्रिप्शन के अंदर इट हैज बिन फाउंड हर्षवर्धन वाला भी कॉन्क्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑप्शन बी धर्मपाल ठीक है ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी नेक्स्ट इज फॉलोइंग बुक्स इज नॉट ऑफ सूरदास इनमें से कौन से बुक्स सूरदास की नहीं है दैट इज सुरसत साई ऑप्शन ए ये सूरदास की नहीं है बाकी तीनों बुक्स जो है ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ये सूरदास की है लेकिन सुरसत साई वो जो है सूरदास की नहीं है नहीं पूछा गया था सॉरी डैश मतलब ऑप्शन में है रूलर एस्टेब्लिश देयर रिलीजियस कैपिटल इन खजुराव तो इनमें से कौन से रूलर ने खजुराव में अपना कैपिटल जो है वो सेटअप किया था दैट इज ऑप्शन डी चंडेला रूलर्स दे एस्टेब्लिश देयर कैपिटल इन खजुराव को कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ द पंचतंत्र अब नाम बताना है कि किनो ने कंपाइल किया था दंचतंत्र दैट इज विष्णु शर्मा ऑप्शन सी विष्णु शर्मा कंपाइल्ड दि टेल्स ऑफ पंचतंत्र रिबिलियन इन बिंदुसरा सेंट अशोक टू क्वेल द रिबिलियन इन कहां पर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी तो इसका राइट आंसर है उज्जैन ऑप्शन सी बिंदुसरा सेंट अशोक टू उज्जैन टू क्वेल द रिबिलियन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन रिलेट टू चालुक्य किंग श तो इन सेकंड तो इनमें से कौन सा इंस्क्रिप्शन इट रिलेट्स टू चालुक्य किंग अब इसका राइट right आंसर क्या है ए होल इस इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया भी है अभी प्रीवियसली काफी पूछा गया थ्रोन ऑफ yeah. थानेश्वर एंड खन्नोज विद द कमेंसमेंट ऑफ सेवेंथ सेंचुरी तो इसका राइट right आंसर जो है वो है हर्षवर्धन हर्षवर्धन असेंडेड द्रोन ऑफ थानेश्वर एंड खनौज विद दमेंसमेंट ऑफ द सेवेंथ सेंचुरी तो ऑप्शन डी हर्षवर्धन इज द राइट आंसर भिम्बेडका अगर आपने सुना हो काफी तो एक आर्कोलॉजिकल साइट भी है इट इज फेमस फॉर ये किस लिए फेमस है भिम्बेडका किस लिए फेमस है ये फेमस है अपने रॉक पेंटिंग्स के लिए अगर इन रॉक पेंटिंग्स की थीम की बात करूं तो यहां पर हंटिंग बोल सकते हो डांसिंग बोल सकते हो एनिमल्स इनकी थीम जो है यहां पर दिखाई जाती है इट इज एन आर्कियोलॉजिकल साइट अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल साइट कहां पर है ये तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है इन एम पी केव रॉक पेंटिंग्स मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी सक्सीडेड द मौर्यास तो इसके मौर्य के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी सतवाहन सुंगाज यमनाज और पांड्या तो कौन सी डायनेस्टी आई थी शुंगा डायनेस्टी ऑप्शन बी तो शुंगा डायनेस्टी अगर मैं बात करूं तो 187 टू 78 बीसी तो इट वाज फ्रॉम अराउंड दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेवनटी एट बी सी वन एटी सेवन टू सेवनटी एट एंड दिस डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय पीयूष मित्र सुंगा एंड दिस डायनेस्टी सक्सीडिड द

तो ये इनका नाम है जो आपको ध्यान में रखना है विच दी गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है बेसिकली डेवलप स्कूल ऑफ आर्ट इन एशियंट इंडिया दैट इज डायनेस्टी ऑप्शन ए तो ये डायनेस्टी का नाम जो है आप आपको ध्यान में रखना है मूविंग अहेड अर्लीस्ट सेटलमेंट ऑफ आर्यन ट्राइब्स आर्यन ट्राइब्स की अर्लिएस्ट सेटलमेंट कहा हुई थी इट वॉज एट सप्त सिंधु ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट right आंसर है सप्त सिंधु में आर्यन ट्राइब्स की अर्लिएस्ट सेटलमेंट जो है वो देखने को मिली थी मूविंग अड विद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है नेम द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर हुर होम आदित्य राजा वन बिकेम द किंग तो नेम द फाउंडर अब फाउंडर का नाम क्या है विजय विजल्या तो ये इनका नाम है हु वॉज द वन हु हुज द फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर विजय लिया जिसके बाद आदित्य राजा वन जो है वो बिकेम द किंग चाइनीज पिलग्रिम जो इंडिया को विजिट किए इन द दिक्कस सेंचुरी तो ये ऐसे देखो क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं किसके टाइम फ्रेम में कब क्यों आए तो ये चाइनीस पिलग्रिम जिन्होंने विजिट किया वो थे सुंग सुंग जो सिक्स सेंचुरी के अंदर जिन्होंने विजिट किया था ठीक है ंग फॉलोइंग रूल द मगध आफ्टर द मौर्यन डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी के बाद मगध को रूल करने वाली जो डायनेस्टी थी वो थी शुंगा डायनेस्टी तो ऑप्शन जस्ट सेकेंड ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी प्रतिहारा डायनेस्टी के ग्रेटेस्ट किंग अब इनके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूं मिहिर भोज ऑप्शन बी ये राइट आंसर है ही वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी ये ये क्या क्या है? Text है, है? है. या फिर तो तो नाम ध्यान में रखना पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन दोबारा. है ये ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ कनिष्क टू थ्रोन वॉज अब साल पूछा गया है तो इट इज सेवेंटी एट 78 डी एट ए ऑप्शन बी इट इज ईयर ऑफ एक्सेशन ऑफ कनिष्क टू थ्रोन च वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एट फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धिज्म अगर आपको बुद्धिज्म के एट फोल्ड पाथ पता हों तो आपको पता होगा राइट टू डिजायर जो है वो जो बुद्धिज्म का एट फोल्ड पाथ है उसके अंदर नहीं आता है तो एट फोल्ड पाथ एक बार देख लेते हैं जिसके अंदर आता है राइट स्पीच राइट व्यू राइट राइट व्यू राइट स्पीच राइट एस्पिरेशन ये आपको थोड़े ध्यान होने चाहिए राइटर राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट एफर्ट राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसेंट्रेशन तो ये कुछ एट फोल्ड पाथ है बुद्धिज्म में जो इंक्लूडेड है लेकिन राइट right डिजायर कहीं नहीं है तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा द राठास ऑफ महाबलीपुरम वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रीन ऑफ दी तो जो राठास ऑफ महाबलीपुरम है इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ पालासोलाज या फिर पल्लवास तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन डी दैट इज पल्लवास के टाइम पे आगे चलते हैं मोहन जुदारो जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है द लार्जेस्ट बिल्डिंग ये क्या है इज द ग्रेट बाथ ग्रेनरी पिलर्ड हॉल या फिर एक टू स्टोरी हाउस तो अगर पता हो पढ़ा हो तो पता होगा ग्रेनरी जो है वो इसका आंसर है द लार्जेस्ट बिल्डिंग इज ग्रेनरी फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एक भ्रमण हैज बीन यूज एक ब्राह्मण तो ये बेसिकली किस कौन से रूलर के लिए यूज किया गया गौतमी पुत्र शतकर्णी ऑप्शन डी इनके लिए ये जो है यूज किया गया एक ब्राह्मण ठीक है ब्राह्मणा बुद्धा मींस बहुत ही इजी और पता भी होना चाहिए सबको बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड वन तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मूविंग अहेड हु इज द एक्सपोन ऑफ वैशिशिक दर्शन फिलोसफी है जिन्होंने पढ़ी हो वैश्विक दर्शन एक्सपोनिक दर्शन कनंद ऑप्शन सीन इज द एक्सपोनेंट ऑफ वैशे दर्शन फिलोसफी आगे चलते हैं अ पिलर कंटेनिंग द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम थ्री डिफरेंट पीरियड्स एक पिलर है जिसमें इंस्क्रिप्शन है फ्रॉम थ्री डिफरेंट पीरियड्स अब वो पूछा गया है वो पिलर लोकेटेड कहाँ पर है तो मौरियन पीरियड गुप्ता पीरियड मुगल पीरियड तो तीन डिफरेंट पीरियड से ये पिलर इट इज कंटेनिंग द इंस्क्रिप्शन और ये लोकेटेड है अलाहाबाद में जिसको आज प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है क्लियर द स्क्रिप्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज करोशिटी अनडेसिफर्ड भ्रमी तमिल तो ऑप्शन बी अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट है द जैन लिटरेचर इज नोन एज अभी जैन लिटरेचर को क्या बोला जाता है अंगज ऑप्शन डी द जैन लिटरेचर इज नोन एज अंगज आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया हु द फॉलोइंग वॉज नेम एज नोन एज देवनम पिया तो देवनम पिया हु द फॉलोइंग वॉज नोन एज तो इसका राइट आंसर है अशोक अशोक जो है अशोका ही वॉज नोन एज देवनम बुद्धा गेव हिस्स फर्स्ट रिलीजियस मैसेज एट बुद्धा ने अपना पहला रिलीजियस मैसेज कहां पर दिया था यह आपको पता होना चाहिए इसकी लोकेशन बताऊं तो इट इज लोकेटेड टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ वाराणसी वाराणसी के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है इन यूपी अब पता होना चाहिए थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा सारनाथ ऑप्शन डी सारनाथ में बुद्धा ने अपना पहला रिलीजियस मैसेज जो है वो दिया था इसके बाद आगे चलते हैं विच अमंग मेटल वॉज नॉट फाउंड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सा मेटल इनमें से नहीं मिला आयरन गोल्ड कॉपर सिल्वर तीनों थे आयरन जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन जो है इट इज आस्किंग विच वज त्रि रत्न इंडिकेट इन बुद्धिज्म अब ये जो क्वेश्चन है इट इज अ थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन तो uh, इसके आंसर जो है मल्टीपल आंसर देखने को मिले हैं बट लेट अस हैव अ लुक की अब क्वेश्चन अगर थोड़ा और कम्प्लीट uh, होता लेकिन त्रिरत्न में अगर मैं आपको बताऊं बुद्धिज्म में त्रिरत्न क्या इंडिकेट करते हैं तो इससे में पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं जो त्रिपिताका अगर बोले तो त्रिपिताका बुद्धिज्म इंडिकेट करते हैं विनय पिता का सुत् और अभिधम्मा पिता ठीक है अगर मैं त्रिरत्न की बात करूं त्रिरत्न मतलब थ्री ज्वेल्स थ्री ज्वेल्स जो है जिन्हें बोला जाता है इट सिग्निफाइज अब वो थ्री ज्वेल्स क्या है वो है बुद्धा मतलब दी आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट आप बोल सकते हो धर्म मतलब द पाथ द प्रैक्टिस फॉर एनलाइटनमेंट ये भी एक थ्री रत्न में से एक है और फिर उसके बाद आता है द संग मतलब कम्युनिटी ऑफ दोनलाइट तो ये थ्री रत्न तीन ज्वेल्स हैं जो बुद्धिज्म के अंदर है ठीक है अजंता एलोरा केव्स ये कहां पर है ये तो पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये आ चुका है अजंता अजंता केव्स एलोरा केव्स के बारे में सवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ये जो है वो सिचुएटेड है ओके च इज वट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म जैनिज्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है नॉन वायलेंस तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द मनुस्क्रिप्ट एंड द एडिटर ऑफ कौटिलियस अर्थशास्त्र वॉज आर श्याम शास्त्री वॉज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द मनुस्क्रिप्ट एंड इवन द एडिटर ऑफ कौटिलियस अर्थशास्त्र जिनका नाम है आर श्याम शास्त्री आगे ड्यूरिंग डूरिंग डिड द चाइनीज ट्रेवलर विजिट इंडिया अब ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है uh, तो किसके टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर उन्होंने इंडिया के अंदर विजिट किया था हर्षवर्धन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर द फोर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इट वॉज रूल्ड बाय विच डायनेस्टी तो कौन सी डायनेस्टी ने रूल किया था मनिक् डायनेस्टी रूल्ड

हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हैज़ बीन कॉल्ड द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स तो अकबर जहांगीर शाहजहाँ और बाबर किन को इनमें से कौन से मुग़ल रूलर हैं जिन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर बोला गया है तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी शाहजहां को बोला गया है एज द प्रिंस ऑफ बिल्डर्स ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहस तो कौन जो है इनमें से ग्रेटेस्ट रूलर हैं सातवाहंस के ऑप्शन बी अगर आप देख पा रहे हो दैट इज गौतमी पुत्र सतकर्नी तो गौतमी पुत्र सतकर्णी इज द ग्रेटेस्ट वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सातवाहस ठीक है मूविंग अ हेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन एक टेम्पल पे है तो पूछा गया है कि बृहदेश्वर टेम्पल इसके बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है अब क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर टेम्पल थंजावर में इट इज इन कहां पर है ये टेम्पल तमिलनाडु में असम में बिहार में या फिर हिमाचल प्रदेश में तो ये टेम्पल कहाँ है तमिलनाडु के अंदर इस टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं इसको किसने बनाया पहली बात तो ये है दूसरी बात कौन से टाइम फ्रेम में बना ठीक है तीसरा सवाल आ जाएगा कि इट इज़ डेडिकेटेड टू किसको ये टेम्पल डेडिकेटेड है और फिर पूछ लिया जाएगा कि क्या ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है या नहीं आता है तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये टेम्पल आता है इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा ठीक है और कब ये बना इट वॉज बिटवीन आप कह सकते हो 1003 थाउजेंड थ्री टू वन एंड वन हंड्रेड के बीच में एंड मोर ओवर सबसे इंपॉर्टेंट है इट वॉज बिल्ड बाय तो इट वॉज बिल्ड बाय राजा राजा चोला वन इनका नाम आपने सुना होगा तो ये पूरी ब्रदेश्वर टेम्पल से एसोसिएटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और ये टेम्पल कहाँ पर है तमिलनाडु के अंदर है मूविंग अ हेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द डिस्कवरर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इसमें से कौन है जो कि डिस्कवर है इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो उनका नाम है दयाराम राम सहानी ऑप्शन बी ही वॉज वन ऑफ द डिस्कवरर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मोहन जुदारो इन सिंधी इट मीन्स इस पे पहले भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है और आई होप अब आपको इसका आंसर पता होगा द माउंट ऑफ डेड तो मोहन जुदारो इन सिंधी इट मीन्स द माउंट ऑफ डेड तो पहले भी चार ऑप्शन कुछ दिए गए थे कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में था तो देखो क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट ये ये समझो विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ड बाय राष्ट्रकुता डायनेस्टी अब, अब पूछा जा रहा है इनमें से कौन से टेम्पल जो है इट इज बिल्ड बाय राष्ट्रकुता डायनेस्टी तो आंसर इज कैलाश टेम्पल ऑप्शन ए कैलाश टेम्पल इज द टेम्पल दैट इज बिल्ड बाय दिस डायनेस्टी क्लियर मूविंग टू द नेक्स्ट वन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढोलावेरा आपको पता होगा इट इज वेरी फेमस तो इट इज वेरी फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग किस चीज के लिए ये बहुत फेमस है रोकट आर्किटेक्चर के लिए सी पोर्ट के लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए या फिर पॉटरी के लिए अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पोर्ट में आपको लोथल बताई थी जगह ठीक है अब ये ढोलावीरा जो है इट इज फेमस फॉर वाटर कंजर्वेशन रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स वेज है वो बेसिकली इट इज वेरी दिस प्लेस इज वेरी फेमस फॉर वाटर कंजर्वेशन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखो कि पर कैसे वो वेल प्लान स्ट्रक्चर रहा है कैसे वहां की स्ट्रीट्स थी क्या वहां पर क्या क्या यूज होता था चाहे हंटिंग में चाहे फूड में लोग कैसे जीते थे वहां, और, और, ये टूल्स अगर कुछ मिले तो फिगर्स कौन से गोडेस को पूछते थे सोशल कल्चर कैसा था वहां पर तो ये सब चीजें जो है एक इस सिविलाइजेशन को कंप्लीट बनाती हैं और इस सिविलाइजेशन से काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं अगला क्वेश्चन है कमरूप इज एन एंशियंट नेम ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया तो कौन से रीजन का ये एंशियंट नेम है ये असम का है तो ध्यान रखना असम स्टेट जो है आज की तो इसका जो एंशियंट नेम था दैट इज कमरूप इज एन एंशियंट नेम ऑफ असम ऑफ टूडेज इंडिया क्लियर द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज अभी मैं इसी की बात कर रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्राइकिंग फीचर क्या है वो फीचर इसका अर्बन सिविलाइजेशन तो ऑप्शन ए मतलब अर्बन उस टाइम पे अगर आप देखो तो मतलब आप इस सिविलाइजेशन से यू कैन गेट एन एडवांस्ड सेंस सेंस ऑफ प्लानिंग गेनाइजेशन पूरा कैसे था वहां पर वहां की अगर आप स्ट्रीट्स देखो तो देवर वाइड स्ट्रीट और वो जो स्ट्रीट थी दे रन स्ट्रेट एट राइट एंगल्स देवर फॉर्मिंग ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर और साथ साथ वहां पर आपको और क्या देखने को मिलेगा अः बॉन्ड ब्रिक्स से घर बने हुए थे तो ये एक वेल प्लान ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर अर्बन सिविलाइजेशन तो इट वॉज अ वेरी स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है डैश वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर द फोर्थ सेंचुरी बीसी तो फोर्थ सेंचुरी बीसी से पहले विच वॉज द कैपिटल ऑफ मगध तो आंसर इज राजगृह ऑप्शन ए तो दिस इज द राइट आंसर इट वॉज द कैपिटल ऑफ मगध बिफोर फोर्थ सेंचुरी बीसी ठीक है द चालुक्य रूलर पुलकेश विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन तो इसकी जो चालुक्य के जो रूलर जो रूलर है पुलकेशंस विक्ट्री ओवर हर्षवर्धन वॉज इन विच ईयर तो ईयर पूछा जा रहा है तो ईयर इज सिक्स हंड्रेड एंड एटी दैट इज सिक्स वन एट ए दिस इज द ईयर तो कभी कभार ईयर जो है ये भी आप देख सकते हो कि चार पांच क्वेश्चन ऐसे हमने देख लिए हैं जो ईयर्स पूछे गए हैं अदरवाइज हिस्ट्री में बताती हूँ इट इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी वो पता होना चाहिए अलेक्जेंडर एंड पोरस द फोर्ट अ बैटल तो वो बैटल द फोर्ट कहाँ पर एट इट हेडिप्स तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट right आंसर है अलेगजेंडर एंड पोरस दे फोर्ट अ बैटल मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग में तो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके आंसर्स मतलब इट वॉज अ डाउटफुल वन बेस्ड ऑन इट्स ऑप्शन लेकिन मैं आपको फिर भी uh, जो पर्टिकुलर प्लेसेस जैसे ही दे रखे स्टैचू ऑफ प्रीस्ट ग्रेट बाथ लोथल और साथ ही साथ सॉरी ग्रेट बात स्टैचू ऑफ प्रीस्ट और एक है पोर्ट और दूसरा है प्लफ मार्क्स तो ये जगह बेसिकली ये कहाँ पर इनके एविडेंस हैं मैं आपको अलग अलग बता देती हूँ तो स्टैचू ऑफ प्रीस्ट और ग्रेट बात ये तो आपको देखने को मिलेंगे मोहन जोदारो के एविडेंसेस हैं ठीक है इफ आई गो विद प्लफ मार्क तो ये कालीबंगन राजस्थान है ना तो कालीबंगन राजस्थान का एविडेंस है एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और होगा आपके पास दैट इज पोर्ट अब पोर्ट तो आई थिंक सबको पता ही चल गया होगा लोथल में इसके एविडेंस देखने को मिले थे वन ऑफ दी पोर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन गुजरात तो डिफ मैंने विदाउट गोइंग टू ऑप्शन मैंने आपको ये जो अलग अलग ऑप्शन प्लेसेज हैं जो एविडेंस ये कहाँ कहाँ पर मिले वो जगहों के जो नाम हैं वो मैंने आपको बता दिए ठीक है थीके? इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लेटर्स सी अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है नेम द कैपिटल ऑफ पल्लवास तो पल्लवास की कैपिटल कौन सी थी वो थी कांची ऑप्शन ए दिस इज वॉज द कैपिटल ऑफ पल्लवास हु बिल्ड द फेमस शिवा टेम्पल एट अलोरा तो इनमें से फेमस शिवा टेम्पल अलोरा में किसने बनवाया राष्ट्रकुता रूलर जो कृष्णा वन है उन्होंने बिल्ड किया द शिवा टेम्पल द फेमस शिवा टेम्पल और क्वेश्चन अब पूछ लिया जाएगा कहां पर तो वो कहां पर है एलोरा के अंदर है मूविंग अ हेड विद नेक्स्ट वन हु वॉज कॉल्ड दी अब ये जो आप बोल सकते हो टाइटल बोल सकते हो अग्रेम्स और एग्जेंड्रिम बाय द ग्रीक राइटर्स तो किससे बोला जाता था तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं एंड आंसर इज धनानंद तो धनानंद वाज कॉल्ड दी एग्रेम्स और जेनग्रम्स बाय दी ग्रीक ग्रीक राइटर्स के द्वारा इन्हें बोला जाता बोला जाता था अब धनानंद के बारे में थोड़ा सा अगर बताऊं तो पूछ लिया जाता है ना हु इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी या हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी तो नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद इन 314 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य नाम आपने सुना होगा पढ़ा भी होगा काफी इनके बारे में और क्वेश्चन भी अभी इनसे पूछे गए हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया मगध किंगडम को एंड डिफीटेड नंदास ठीक है तो धनानंद जो थे ही वाज़ द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी आगे चलती हूँ विच म्यूजियम हाउस द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुशांस स्कल्पचर्स तो इनमें से कौन सा म्यूजियम है जिसमें लार्जेस्ट कलेक्शन आपको देखने को मिलेगी कुशां कुशान स्कल्पचर्स की तो वो है मथुरा म्यूजियम मथुरा म्यूजियम है दैट कंटेन्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कुशाण स्कल्पचर्स अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म सबको पता है ऑल ओवर इंडिया एंड कैलोन सिलोन बाय तो कैसे इन्होंने बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था

तो धर्मपाल ऑप्शन डी यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा तो इन्होंने दिस वॉज द फेमस रूलर हु फाउंडेड दी विक्रम यूनिवर्सिटी फॉर द बुद्धिस्ट ठीक है आगे चलते हैं द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर इनमें से आपको बताना है कौन है टू एमर्ज फ्रॉम दी चोला डायनेस्टी अब चोला डायनेस्टी से सवाल पूछा गया तो चोला डायनेस्टी में से इनमें से फर्स्ट फर्स्ट रूलर लास्ट रूलर और फर्स्ट रूलर है ना तो फर्स्ट रूलर पूछा गया तो राजा राजा चोला

कौटिल्य है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग्रीफिशियल फॉर्मूला अब वेदास पे भी काफी क्वेश्चन है और मैंने चारों वेदास के बारे में आपको बताया हुआ है तो यहां पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से वेदा है सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद या अथर्ववेद तो कौन से वेदा दैट कंटेन सेक्रीफिशियल फॉर्मूला तो दैट इज यजुर्वेद ऑप्शन सी फिलोसफी so, पढ़ा होगा उसको ये पता होगा कि सांख्य स्कूल जो है फिलोसफी का इट वॉज फाउंडेड बाय फाउंडर कौन है सांख्य स्कूल के कपिला ऑप्शन बी वॉज द बेसिकली सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी वॉज फाउंडेड बाय कपिला तो मूविंग अहेड चलो आगे चलते हैं द ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया ठीक है बाय बाय हूम द ग्रीक्स वर ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया बाय चंद्रगुप्त मौर्य तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट बुद्धिज्म अब बुद्धिज्म से देखो काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इन टू महायान एंड हीनयान ये सबको पता है ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर तो उस टाइम पे कौन से रूलर थे जिनके टाइम पे बुद्धिज्म महायान और ही नयान दो सेक्ट में डिवाइड हुआ था तो पहले रूलर का नाम जान लो कनिष्क जो है इनके टाइम पे बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आपने सुना था उससे क्वेश्चन पूछा गया था अब इस एसोसिएटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में जो कहाँ पर हुई पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये कहाँ पर हुई कुंडलवन के अंदर हुई कुंडलवन मतलब कश्मीर के अंदर अब ये कश्मीर में भी कहाँ पे हुई कब हुई तो 72 एडी के अंदर कश्मीर में हुई अंडर दी पैट्रोनेज अंडर दैट्रोनेज ऑफ

हुई थी और इसी काउंसिल के टाइम पे बुद्धिज्म जो है आप बोल सकते हो इस डिवाइडेड इनटू महायान जो यहां पर लिखा है ना महायान एंड हीनयान सेक्ट्स ठीक है तो जो हीनयान सेक्ट है इट इज द ओल्डेस्ट सेक्ट बोला जाता है सेक्ट, ओल्डेस्ट सेक्ट विच वॉज लेट डाउन द बुद्धा हिमसेल्फ एंड महायान जो है इट इज न्यू सेक्ट तो बुद्धिज्म जो है वो महायान और हीनयान में डिवाइड हुआ ड्यूरिंग कनिष्क जो है उस टाइम पे रूलर थे एंड रेस्ट अ पार्ट ये इंफॉर्मेशन जो है कल को इससे भी सवाल जो है वो पूछा जा सकता है आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे शाका एरा अब पूछा गया है जो शाका एरा है अब दिस एरा वॉज फाउंडेड इन द ईयर तो कौन से ईयर में इट वॉज फाउंडेड इट वॉज फाउंडेड इन सेवेंटी एट ए डी क्लियर तो सेवेंटी एट एडी में शाका एरा वॉज फाउंडेड अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स उदंतपुरी एजुकेशन वॉज सिचुएटेड फोलोइंग स्टेट अदंतपुरी एजुकेशन सेंटर वॉज कौन सी बिहार के अंदर कैपिटल ऑफ पलवा डायनेस्टी पलवा डायनेस्टी की कैपिटल पूछी गई है बहुत ही ईजी है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पलवा डायनेस्टी की कैपिटल क्या है कांचीपुरम तो कांचीपुरम वॉज दी कैपिटल ऑफ पलवा डायनेस्टी द टर्म उपनिषद इट इम्प्लाइज तो टर्म उपनिषद का क्या मतलब है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उपनिषद लिटरली दिस टर्म मीन्स सिटिंग नियर सिटिंग नियर बेसिकली अगर आप इसको बोलो तो इट जनरली रेफर्स टू स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स सिटिंग डाउन स्टूडेंट्स सिटिंग डाउन नियर देअर टीचर्स टू गेन दॉलेज तो दिस is the term uh, meaning the uh, basically it literally implies that upanishad is when student sitting down near uh, their teachers to gain the knowledge to तो isliye sitting near jo hai wo iska answer hai agar main sanskrit uh, dictionary jo hai uske hisab se bhi hum iska matlab dekhe to it is setting setting to rest क्या setting to rest the ignorance तो that, uh, that means setting to rest the ignorance कैसे? by कैसे यू विल सेट डाउन द इग्नोरेंस बाय रिवीलिंग द नॉलेज कौन सी नॉलेज द नॉलेज ऑफ सुप्रीम राइट तो ये इसका अगर आप बोल सकते हो उपनिषद का जो संस्कृत डिक्शनरी में अदरवाइज द टर्म उपनिषद लिटरली मीन्स सिटिंग नियर दैट इज ऑप्शन सी ठीक है द लैंड मेजर्स ऑफ द सेकंड पांडियन एम्पायर वाज मेंशनड इन तो ये किस में मेंशनड है इट इज मेंशनड इन தलाइवपुरम कॉपर प्लेट्स तो यहाँ पर the land measures of second Pandyan Empire was mentioned in तलाइवपुरम कॉपर प्लेट्स तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है Who among the following was the pioneer of yoga? A very easy question. Patanjali was the one who uh, was the one uh, was the pioneer of yoga. ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डोकर्ड ये पता भी होना चाहिए आपको क्योंकि मैंने प्रीवियसली इसी क्वेश्चन में डोक यार्ड के बारे में इसके और इस place के बारे में काफी जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है तो इसका राइट right आंसर है लोथल पता होगा तो आर्टिफिशियल ब्रिक जो है इट वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डोकर्ड तो लोथल जो है इट वॉज द इंडस साइट तो आई होप ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होगी मूविंग हेड विद नेक्स्ट क्वेश्चन चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद सब्जेक्ट मैटर विच मनुस्मृति डील्स विद इज रिलेटेड टू तो मनुस्मृति जो है इसमें से कौन से सब्जेक्ट मैटर के साथ डील करती है इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स लॉ या फिर आर्ट तो इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑप्शन सी इज द राइट आंसर तो मनुस्मृति डील्स विद लॉ क्लियर वो अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फिजिशियन तो इनमें से कौन वॉज नॉट अ फिजिशियन उनके बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं तो इसका आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ दैट इज चारवाक ऑप्शन सी अब चारवाक के बारे में ऐसा है ये एक बेसिकली इट इज़ अ सिस्टम ऑफ इंडियन फिलासफी इट इज़ वन ऑफ द स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी लेकिन इसके बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा जिन्होंने फिलासफी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा चारवाक इज़ वन ऑफ द सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलासफी जो कि डील करता है विद मेटीरियलिस्टिक एंड एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट ये इसका थीम आप बोल सकते हो इस फिलॉसफी का है मेटेरियलिस्टिक एंड एथिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है ये इसीलिए टुडे इट इज नॉट कंसीडर्ड यू कैन से टू बी द पार्ट ऑफ सिक्स ऑर्थोडॉक्स

चार बाग, and चार बाग क्या कहती है, वो भी मैंने आपको बता दिया कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो as of thought, of is, of thought, uh, is चार वर्स क्लियर हु इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया तो लाइट ऑफ एशिया किसे बोला जाता है गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध इज ऑल्सो नोन एज लाइट ऑफ एशिया मूविंग हेड अब इनमें से कौन सा वेद इट इज द ओल्डेस्ट वेद। अब ओल्डेस्ट वेदा इनमें से कौन सा है ये आपसे पूछा गया अगर आपको उसका टाइम फ्रेम भी अगर मैं बताऊं तो 1500 से ट हंड्रेड बी सी इट वॉज इंडिस पर्टिक्यूलर टाइम एंड इसके बारे में और भी बताऊंगी थोड़ा पहले वेदा का नाम जान लेते हैं विच ऑफ दस्ट वन दैट इज रिग वेद इज दॉज फोर्म्ड इन अर्ली वैदिक एज अगर आप बोलो तो फिफ्टीन हंड्रेड टू ट्वेल्व हंड्रेड बी सी एंड इट इज अ कलेक्शन इट इज अ कलेक्शन ऑफ वन जीरो टू एट हिम्स एंड टेन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड वोसेस जो कि ऑर्गेनाइज हैं इन टू इन इन टेन बुक्स जिनको मंडल्स भी बोला जाता है अगर आपको ध्यान हो तो इनसे क्वेश्चन भी आया था अबाउट नाइन्थ मंडल तो इनको मंडल्स भी बोला जाता है ठीक है हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश तो हर्ष मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम थानेसर टू खन्नौज तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द डैश एरा इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ मैमल्स तो इन कौन सा एरा है जिसे एज ऑफ मैमल्स जो है बेसिकली uh, वो भी बोला जाता है सिनोजोइक एरा इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मैमल्स तो इसीलिए ऑप्शन बी जो है इट इज द राइट आंसर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द रीजन रीन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स डिड द दाइनीज ट्रैवलर जुआन जैंग विजिट इंडिया अब ये तो आपको आई होप पता चल गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं किसके टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर आए कब आए क्यों आए क्या पर्पज था तो ऐसे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है अब इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हर्षवर्धन के टाइम पे जो जब ये किंग थे इनके टाइम पे चाइनीज ट्रैवलर जुआन जैंग उन्होंने इंडिया को विजिट किया था से कौन सी स्टेटमेंट इट इज नॉट अबाउटन सी देख इन एंशियो दिसंता केव्स हड़प्पन साइट है एक मंड मंड बोल सकते हैं इट वॉज सिटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर तो कौन सी रिवर कौन सी रिवर एसोसिएटेड है ये हड़प्पन साइट जो है ये कौन सी रिवर के बैंक के पास सिचुएटेड है तो आंसर इज चेनाब तो चेनाब रिवर के पास जो है इट इज सिचुएटेड द र्यून्स ऑफ मोहन जोदारो एंड हड़प्पा शो दैट दीज वर मैग्निफिशियंट एंड वेल प्लान कैसी साइड है ग्रेरियन सिटीज रिलीजियस सिटीज मर्चेंट सिटीज या फिर शोर सिटीज तो कैसी सिटीज थी मोर्चेंट सिटीज थी ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉलोइंग इज नॉट पहले तो, तो सवाल देखना क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉट विच वन ऑफ द फॉलोइंगज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मोनार्किकल स्टेट दैट एग्जिस्टेड इन द्थ एंड दर्ली सिक्सरी बी सी इन इंडिया तो इनमें से कौन सी स्टेट नहीं थी बिटवीन विच इज दिच इज नॉट वन ऑफ द मनार्कलस्टेड इन दिक्कत सेंचुरी तो दैट इज वैशाली ऑप्शन बी दिसवेंकिकल स्टेटिला यूनिवर्सिटी इट वॉज फाउंडेड बाई ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया था पाला किंग तो पाला किंग है तो धर्म पाल जो है ही वॉज द वन हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल अब ये भी अगर आपको पता हो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया था डांसिंग गर्ल जो है एक कंट्री थी जो 2014 में कह रही थी कि डांसिंग गर्ल हमें वापस रिटर्न करो तो कौन सी कंट्री थी वो अगर आपको याद हो तो पाकिस्तान थी मैंने बताया भी था क्वेश्चन भी पूछा गया था अब क्वेश्चन इसी से ही रिलेटेड है लेकिन घुमा दिया गया है द आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रोन्स इज फाउंडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन तो वेरी इजी वन कौन सी सिविलाइजेशन के अंदर ये uh, जो आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल मिला तो दैट वॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म तो इनमें से कौन सी uh, एक ऑप्शन जो है दैट इज नॉट द द्री रत्न ऑफ जैनिज्म दैट इज राइट व्यू दिस इज नॉट द थ्री रत्न ऑफ जेनिज्म जेनिज्म के जो थ्री रत्न है उनके बारे में जान लेते हैं राइट फेथ राइट नॉलेज और राइट right कंडक्ट ये तीन जो है दे आर द थ्री रत्न ऑफ जेनिज्मी अगर मैं इनको डिफरेंट टर्म्स में भी आपको बताऊं तो एक है सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन मीन्स राइट फेथ अगर मैं राइट right नॉलेज की बात करूं तो दैट इज सम्यक जनन ठीक है और ये दैट इज राइट नॉलेज और अगर मैं राइट right कंडक्ट की बात करूं तो दैट इज सम्यक चरित्र तो सम्यक चरित्र दैट मीन्स राइट कंडक्ट तो दीज आर दी थ्री रत्न अब कल को राइट फेथ राइट नॉलेज और राइट right कंडक्ट की जगह यहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है सम्यक दर्शन सम्यक जनन और सम्यक चरित्र जो है तो इनसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अब आई होप आपको आप गलत नहीं करोगे क्योंकि दीज आर दी थ्री रत्न ऑफ जेनिज्म ठीक है तो मूविंग अ हेड विद अगला क्वेश्चन क्या है वट डिड द टर्म शाल भोग स्टैंड फोर विद रिस्पेक्ट टू द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इम्पेरियल चोलास तो ये जो टर्म है ये किस लिए है इट स्टैंड फॉर द लैंड डोनेटेड फॉर देंटेनेंस ऑफ अ स्कूल तो अगर आपको ये टर्म दिखे शाल भोग इट स्टैंड फॉर द लैंड दैट इज डोनेटेड फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्कूल विद रिस्पेक्ट टू द रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इम्पेरियल चोलाज तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है बुर्जा होम अब ये क्वेश्चन मैंने आपको इसके बारे में इस साइट के बारे में पहले बताया हुआ है कि ये कहाँ पे लोकेटेड थी उस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हुआ था कि कहाँ पे लोकेटेड थी वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी लेकिन बुर्जा होम से पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है ये एक नियोलिथिक साइट है अब पूछा जा रहा है ये कहाँ पे लोकेटेड है तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है तो बुजरा होम जो नियोलिथिक साइट है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया भी था तक्षशिला यूनिवर्सिटी इज करंटली लोकेटेड इन विच कंट्री तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है करंटली ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है इंडिया के अंदर नहीं पाकिस्तान में तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर एसोसिएटेड विद दिस तक्षशिला यूनिवर्सिटी अब करंटली जो है वो पाकिस्तान के अंदर लोकेटेड है द टर्म तूपा

अब ये क्वेश्चन तो काफी बार मतलब इसका आंसर अब सबको रट जाना चाहिए तो आंसर इज लोथल ऑप्शन बी तो लोथल इज वन ऑफ पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कैलाशनाथ टेम्पल जिसे शिवा टेम्पल भी बोला जाता है आई एट कांचीपुरम कंटेनिंग स्कल्पचर्स विद पेंटिंग्स इन द इनर वॉल इट वॉज बिल्ट बाय तो ये टेम्पल किसने बनाया ये पूछा गया है इट वॉज बिल्ड बाय नरसिम वर्मन ऑप्शन बी तो नरसिम्ह वर्मन वॉज द वन हु बिल्ट शिवा टेम्पल एट कांचीपुरम जिसके अंदर इट कंटेन्स कल्चर्स ऑल्सो विद पेंटिंग्स इन द इनर वॉल वेल नोन डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मैंशन इन विच उपनिषद तो कौन से उपनिषद के अंदर आपको ये जो डायलॉग है बिटवीन नचिकेत एंड यम ये देखने को मिलेगा उपनिषद है चार उपनिषद आपको नाम बताना है कथोपनिषद ऑप्शन सी कथोपनिषद इज द उपनिषद जहां पर आपको नचिकेत और यम के बीच में जो वेल नोन डायलॉग है दैट इज मैंशन देयर द नंबर सिस्टम जीरो इट वॉज इन्वेंटेड बाय तो ये तो सबको ही पता होगा इट वॉज इन्वेंटेड बाय आर्यभट्ट तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर

फॉलोइंग आर द बिलीव ऑफ बुद्धिज्म ऑप्शन सी मतलब स्टेटमेंट ए बी सी दीज थ्री आर द बुद्धिज्म ऑप्शन डी नहीं है अदरवाइज दर्ल्ड इज फुल्स एंड बी अटेट बिलीव ऑफ बुद्धिज्म धमिक स्टूपा इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज तो ये स्टूपा कहाँ पर है ये पूछा गया है आपसे इस स्टूपा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा तो एक मैसिव है, ठीक है इट इज स्टूपा है कहां पे ये स्टूपा सारनाथ के अंदर है सारनाथ में है मतलब नियर वाराणसी आप बोल सकते हो आज नियर वाराणसी इन यूपी तो ये धमे स्टूपा के बारे में अगर मैं बताऊं इट इज ऑल्सो बिलीव्ड कि बुद्धा ने जो अपना फर्स्ट रमन जो बुधा गेव हिज फर्स्ट सैरमन टू हिज फाइव आप बोल सकते हो ब्राह्मण डिसिपल्स तो वो कहाँ पे दिया था आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटनमेंट तो वो यहाँ पे दिया था तो धमेक्स स्टूपा में इट इज बिलीव दैट बुधा गेव इड सर्स्ट फर्स्ट सेरमन टू फाइव जो ब्राह्मण डिसिपल्स थे आफ्टर अटेनिंग द एनलाइटनमेंट तो उन्होंने यहाँ इस स्टूपा में दिया था दिस स्टूपा इज लोकेटेड इन सारनाथ इट विच इज अ मेसिव स्टूपा नियर वाराणसी इन

पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्राइन्स एट महाबलीपुरम तो क्या नाम है राठास रथ्स ऑप्शन ए दैट इज रथ्स आर द पॉपुलर नेम ऑफ मोनोलिथिक रॉक श्राइन्स एट महाबलीपुरम इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड लेट अस सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी अ वेरी इजी वन ये तो अब सबको पता ही होना चाहिए नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है नंदा डायनेस्टी के फाउंडर है महापद्म नंदा ऑप्शन सी इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं महापद्म नंदा को बोला जाता है एज डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास तो डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियास भी बोला जाता है ही वॉज हु फाउंडेड दी नंदा एम्पायर ठीक है ही वॉज हु फाउंडेड दी नंदा डायनेस्टी आप बोल सकते हो एंड नंदा एम्पायर जो था इसको बाद में इट वॉज कॉनकर किसने कॉनकर कर लिया था चंद यहां पे लिख देते हैं चलो चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उन्होंने नंदा एम्पायर को बाद में कॉन्कर कर लिया था एंड ही फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर अगर मैं आपसे नंदा डायनेस्टी की बात करूं तो महापद्म नंदा जो है वो तो चलो पता चल गया ही वॉज द फाउंडर लेकिन जो इनका जो रीजन था वो कहां से कहां तक एक्सटेंडेड था पंजाब से लेकर बंगाल तक बंगाल इन द ईस्ट पंजाब इन द वेस्ट और अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में अप टू विंध्यान रेंज तो यहां तक इनका जो एम्पायर था जो डायनेस्टी थी वो एक्सटेंडेड थी तो ये भी इंपॉर्टेंट है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो पूछी जा सकती है मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग तो नेशनल फ्लैग में कितने स्पोक्स आपको देखने को मिलेंगे वेरी इजी वन ट्वेंटी फोर स्पोक्स आर देयर इन द धर्म चक्र ऑफ नेशनल फ्लैग आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पर तो कौन से गुप्ता एम्पर के कोर्ट में आर्यभट्ट एंड कालिदास वर तो लेट अस सी द राइट आंसर चंद्रगुप्त सेकंड चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में आर्यभट्ट एंड कालिदास वर देयर इन द इन द कोर्ट ऑफ द गुप्ता एम्पर दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड बेसिकली तो, अब इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं आपको पता ही होगा कालिदास के बारे में ही इज अ वेरी फेमस क्लासिकल संस्कृत राइटर एंड अगर आप इनको बोलो तो ही इज ऑल्सो यू कैन से वन ऑफ द नाइन जेम्स ऑफ द चंद्रगुप्त कोर्ट ठीक है तो संस्कृत राइटर है आर्यभट्ट के बारे में अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था जो कि एक मैथमेटिशियन है और क्या है एस्ट्रोनोमर है मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनोमर आर्यभट्ट इनके वर्क्स जो हैं दैट इंक्लूड आर्यभिया एंड आर्य, आर्य सिद्धांत ठीक है ये कुछ आर्यभट्ट के वर्क्स भी हैं तो अदरवाइज आर्यभट्ट एंड कालिदास आर्यभ्टिदासवर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता एम्पर दैट इज चंद्रगुप्त सेकेंड ठीक है ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच पल्लव पल्लवा रूलर बिगिन द लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल बिटवीन द पल्लवाज एंड चालुक्यस पल्लवाज और चालुक्यास के बीच में जो स्ट्रगल शुरू हुई थी उस टाइम पे पल्लवा रूलर कौन थे तो ये आपसे पूछा गया है महेंद्र वर्मन वन तो ये जो थे इनके टाइम पे ये पलवा रूलर थे जब पलवा और चालुक्यज के बीच में जो स्ट्रगल है वो शुरू हो गई थी इन विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट द टेराकोटा ऑफ प्लफ वॉज फाउंड अ वेरी इजी वन तो ये कहां पर था बनावली के अंदर बनावली इज अ लोकेशन अगर आज मैं बात करूं इन टूडेज फतेहबाद आपने सुना होगा फतेहबाद हरियाणा के अंदर तो वहां पर दिस इज द प्लेस जहां पर हड़प्पन साइट टेराकोटा ऑफ प्लफ जो है दैट वॉज फाउंड इन बनावली इंस्क्रिप्शन अशोका in so, के इंस्क्रिप्शन में कौन सी स्क्रिप्ट जो है वो यूज करी गई थी दैट इज भ्रमी स्क्रिप्ट भ्रमी स्क्रिप्ट जो है इसके बारे में एक बात और जान लो भ्रमी स्क्रिप्ट वॉज डेसिफोड ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आगे अगर पूछ लिया जाए भ्रमी स्क्रिप्ट दिसक्रिप्ट वॉज डेसिफर्ड इट वॉज डेसिफर्ड बाई जेम्स प्रिंसेप्ट नाम सुना होगा आपने जेम्स प्रिंसेप्ट जो है इन नाइन इन एटीन थर्टी सेवन सॉरी जेम्स प्रिंसेप्ट डेसिफोड भ्रमी स्क्रिप्ट जेम्स प्रिंसेप कौन है जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल भी हैं आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं तो कल को यहां पर चार नाम दे दिया जाएगा हु स्क्रिप्ट इन हुवन दैट वॉज जेम्स प्रिंसेप और uh, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था उस टाइम पे इन ड्यूरिंग दैट एम्पायर इन द नॉर्थ वेस्ट एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर खरोशटी स्क्रिप्ट जो है खरोशटी स्क्रिप्ट मी स्क्रिप्ट वॉज डेसिफर्ड बाई जेम्स प्रिंसेप इन एटीन थर्टी सेवन कॉटिलियस अर्थशास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी अर्थशास्त्र पे क्वेश्चन आया था ना तो मैंने आपको बोला भी था आगे आपसे पूछा जाएगा कि अर्थशास्त्र मेनली डील किससे करता है अर्थशास्त्र मेनली डील करता है पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट से आज के टाइम पे हम गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट से uh, और इट इज बोल सकते हो बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अ बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डील्स विद आप बोल सकते हो दैट डील्स विद दी आर्ट ऑफ गवर्नमेंट दैट डील्स विद दी आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स तो आज के टाइम पे भी मतलब कल को अगर आपसे एक आंसर लिखने को बोले तो आप वेल नोन आंसर लिख सकते हो हमारे सोर्सेज भी हैं हमारे पास ऐसे जहां पर वी वी हैव अ वेल वेरी वेल बुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दैट डील्स विद दी पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट आर्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिटिक्स गवर्नेंस तो यहाँ पर कॉटिलियस अर्थशास्त्र जो है वो आप मैंशन कर सकते हो नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट तो कौन सा टिश्यू है फिलोय आप ऑप्शन सी इट इज़ द राइट आंसर दिस इज द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट ठीक है आगे चले हु बिल्ड दी कोनार्क सन टेम्पल किसने बिल्ड किया था दैट इज नरसिंह देव वन तो ऑप्शन बी नरसिंह देव वन वॉज द वन हु बिल्ड को अब ये सन टेम्पल कहां पे है उड़ीसा के अंदर द वेरी फेमस कोनाक टेम्पल ओडिशा के अंदर है एंड दिस टेम्पल इज ऑल्सो इन दी अगर आप बोलो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ठीक है दिस टेम्पल वॉज बिल्ड बाय नरसिमदेव वन विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा वेरी यू कैन से क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा भी जा चुका है तो विच वन ऑफ द फोलोइंग रूलर वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा बिंबिसरा ऑप्शन बी बिम्बिसरा वॉज द रूलर हु वॉज द कंटेम्प्रेरी हु वॉज द ग्रेट फ्रेंड एंड दी आप बोल सकते हो प्रोटेक्टर ऑफ बुद्धा अगर मैं आपको बिम्बिसरा का जस्ट सेकेंड यहाँ पे लिख लेते हैं बिम्बिसरा का टाइम फ्रेम बताऊँ तो बिम्बिसरा वॉज बॉर्न इन फाइव फिफ्टी एट बी सी और बिम्बिसरा की जो डेथ हुई थी इट वॉज इन फोर नाइन्टी वन बी सी और एट द सेम टाइम अगर मैं आपको बुद्धा की टाइम टाइम बताएं टाइम फ्रेम पूरा बुद्धा वॉज बोर्न फ्रॉम फाइव सिक्सटी थ्री बी सी टू फोर एसी ठीक है तो ये बिंबिसरा का टाइम फ्रेम है ये बुधा का टाइम फ्रेम है बिम्बिसरा वॉज अ कंटेम्प्ररी ऑफ बुधा ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड अ प्रोटेक्टर आप बोल सकते हो ऑफ बुधा एंड ही वॉज द एम्पर ऑफ कौन से एम्पायर के एम्पर थे ये मगध के ही वॉज द एम्पर ऑफ मगध एम्पायर फर्स्ट किंग ऑफ चोला डायनेस्टी तो चोलास्टी के फर्स्ट किंग जिन्होंने श्रीलंका को कौन कर किया वो कौन थे राजेंद्र वन ऑप्शन चोला डायनेस्टी से वट इंसपायर्ड द पेंटिंग्स ऑफ अजंता अजनता की पेंटिंग्स तो किनसे इंस्पायर्ड थी वो तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कम्पैशनेट बुद्धा तो कम्पैशनेट बुद्धा से इंस्पायर्ड थी पेंटिंग्स अजंता की किंग खरेवाल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेरी डायनेस्टी ऑफ तो द राइट आंसर इज कलिंगा तो किंग खरेवाल वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द चेरी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा तो कलिंगा की डायनेस्टी अशोका कुछ याद आ गया होगा शायद इससे द वर्ड सत्यमेव जयते इट हैज बिन डिराइव फ्रॉम विच उपनिषद कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते जो वर्ड है वो आया है दैट इज फ्रॉम मुंडक उपनिषद तो ऑप्शन बी जो है दैट इज द राइट आंसर आगे चलते हैं विच ऑफ द कुशान रूलर पेट्रोनाइज बुद्धिज्म तो इनमें से कौन से कुशान रूलर हैं अभी उनके बारे में हमने डिस्कस भी किया ऐसा ही ये क्वेश्चन तो विच ऑफ द कुशान रूलर पेट्रोनाइज बुद्धिज्म कनिष्क ऑप्शन सी कनिष्क इज द राइट आंसर ही वॉज द कुशान रूलर हु पेट्रोनाइज बुद्धिज्म नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन द इंडस रीजन वॉज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ द फोर एंशियंट अर्बन सिविलाइजेशन ठीक है क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग देम रशिया जो है उनमें से एक नहीं है अदरवाइज इंडस रीजन वॉज द होम टू दी लार्जेस्ट ऑफ द फोर एशियन अर्बन सिविलाइजेशन जिसमें से रशिया इज नॉट अमंग देम देर फॉर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या विच फाउंडेड विक्रमशिला अब इनके बारे में भी अगर हम थोड़ा सा जान लें तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सबसे पहले तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में चलो जान लेते हैं यहाँ पर विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इट इज लोकेटेड एट कहां पर है ये धर्मपाल वॉज द वन हु फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भारत बार ये यूनिवर्सिटी आ रही है तो दिस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट बागलपुर बिहार में सुना होगा इट इज वन ऑफ टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग जिसमें से एक है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वन ऑफ द प्रोमिनियट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्टूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द ग्रेट मॉरियन किंग अशोक तो कौन सा था वास दिस वॉज धमेक स्टूपा एट सारनाथ कंस्ट्रक्टेड बाय ग्रेट मॉरियन किंग अशोका हुई कनिष्क से आपको बताना है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन अजंता एंड अलोरा केव्स कहां पर है इंडिया के कौन सी स्टेट में अजंता एंड अलोरा केव सिचुएटेड है वेरी इजी क्वेश्चन केरला उड़ीसा महाराष्ट्र जम्मू एंड कश्मीर काफी बार अब इन केव से क्वेश्चन आ गया ये पता होना चाहिए महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में अर्थ जनता एंड आर सिचुएटेड हु द कंटेम्प्री ऑफ साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन अब हर्षवर्धन के कंटेम्प्ररी वो कौन थे ऑप्शन बी कुलशन सेकेंड वॉज दी कंटेम्प्ररी ऑफ द साउथ इंडियन रूलर हर्षवर्धन हर्षवर्धन का टाइम फ्रेम देख लो सिक्स हंड्रेड सिक्स टू सिक्स फोर्टी सेवन ए से लिख देते हैं जस्ट अड सिक्स हंड्रेड सिक्स एडी ये है हर्षवर्धन का टाइम फ्रेम और अगर मैं पुलकेशन सेकंड का टाइम फ्रेम बताऊँ तो इट इज सिक्स हंड्रेड टेन टू सिक्स फोर्टी टू ए डी तो दिस इज द टाइम फ्रेम ऑफ हर्षवर्धन एंड दिस इज द टाइम फ्रेम ऑफ पुलकेशन सेकेंड एंड ही वॉज दरी ऑफ साउथ इंडियन रूलर हर्षवर्धन ठीक है साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन कौन कंटेम्प्रेरी थे ऑप्शन बी टोलका पी आर इज अ फेमस एंशियंट ग्राममेरियन ऑफ द लैंग्वेज अब इनसे एक पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तमिल जिसका राइट आंसर है इज इट इज ऑफ दी तमिल लैंग्वेज द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन usually built their हाउसेज और ये मैंने अभी आपको बताया भी था जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज थी वेल well प्लान थी वहाँ के हाउसेज कैसे बने हुए थे अगर आपने ध्यान से सुना हो तो आपको पता भी होगा मैंने ब्रिक्स बताई थी कि पक्का ब्रिक्स से वहाँ के हाउसेज बने हुए हैं ठीक है वहाँ की स्ट्रीट्स वाइड स्ट्रीट्स हैं ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है तो पक्का ब्रिक्स से द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ट देयर houses कपल बरियल वॉज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट तो इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट है आपको उसका नाम बताना है इनमें से कौन सी हड़प्पन साइट से कपल बरियल वॉज फाउंड तो लोथल जगह से कपल बरियल वॉज फाउंड तो आर्कोलॉजिस्ट का ये कहना है कि वहाँ पे लोथल में कपल बरियल वॉज देयर बट सम अदर्स सजेस्ट कि दिस शोज द एविडेंस ऑफ सती सिस्टम दैट वॉज प्रेवेलेंट एट दैट टाइम ऑल्सो तो उन कई कई जो हैं वो दे बिलीव दैट दिस दिस गिवस एविडेंस ऑफ सती सिस्टम तो कपल बरियल दैट वॉज फाउंड एंड गेव द एविडेंस तो ये कहाँ पे थी लोथल के अंदर

राइट आंसर शिल्पाधिकरम तमिल ऐपिक ठीक है पहले तो आपको यही पता हो जाना चाहिए कि एक तमिल एपिक है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया है इट वॉज रिटन बाय तो किसने लिखा था इलैंगो एडिगल ऑप्शन बी इलेगो एडिगल वॉज द वन हु रोट दिस तमिल एपिकादिकरम तो डू रिमेंबर द नेम

का uh, फाउंडर कौन है ये आपको बताना है एंड द राइट आंसर इज महावीरा तो लॉर्ड महावीरा इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इन इंडिया एंड अकॉर्डिंग टू जैन स्क्रिप्चर्स द अगर आपको त्रिथानकर के बारे में पता हो द फोर्थ एंड द लास्ट त्रिथानकर फाउंडेड जैनिज्म जो महावीरा है ट्वेंटी फोर्थ एंड द लास्ट त्रिथानकर फाउंडेड फेथ अब uh, कौन सी सेंचुरी में अभी मैंने बताया सिक्स सेंचुरी के अंदर सिक्स सेंचुरी बीसी में जब बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो है विटनेस्ड uh, जब वो आए और ट्वेंटी फोर्थ एंड द लास्ट रिथानकर महावीरा दे बेसिकली ही फाउंडेड जैनिज्म फेथ इन द सिक्स सेंचुरी अब दिस रिलीजन इनका जैनिज्म का जो नेम है इट वॉज डिराइव फ्रॉम जिनास ठीक है दिस वॉज द नेम दैट दैट वॉज द टाइटल दैट वॉज गिवन टू द्वेंटी फोर ग्रेट टीचर्स जिनको त्रिथानकर भी बोला जाता था थ्रू हुम दिस फेथ आप बोल सकते हो इट वॉज रिवील्ड तो जिनाज वॉर दी वॉज द टाइटल दैट वॉज गिवन टू द्वेंटी फोर ग्रेट टीचर्स दी द्रिथानकर्स और वहां से फिर लोर्ड महावीरा वॉज दी ट्वेंटी फोर्थ एंड दी आप बोल सकते हो त्रिथानकर दी लास्ट त्रिथानकर हु फाउंडेड जैनिज्म Who among the following was the first grammarian of Sanskrit language? So, answer is Panini. Option D was the uh, first grammarian of the Sanskrit language. Coins made of the metal first appeared in. So, where did In the age of Buddha. So, option C is the right answer. Moving ahead with the next question. Let us let us have a look over the next one. सो द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं दे वर्शिप विष्णु पशुपति इंद्र और ब्रह्मा तो इसका राइट right आंसर आपको पता होगा अगर आपने पशुपति सील के बारे में सुना हो पशुपति सील तो इसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ पशुपति सील बेसिकली डिपिक्स इसमें इस सील अगर आपने इसकी फोटो देखी होगी थ्री फेज मेल गोल्ड अगर आपने देखा हो थ्री फेज मेल गोड है इन अ योगिक पोस्टर तो इनके राइट right और लेफ्ट में क्या है वो भी आपसे पूछा जा सकता है राइट देयर राइनो एंड बुफेलो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड ऑन दी लेफ्ट आपको एलिफेंट और टाइगर एलिफेंट एंड टाइगर्स आर ऑन लेफ्ट एंड बुफेलोज आर ऑन दी राइट ठीक है तो पशुपति पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्शिप मुद्रा गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो सेम है सारनाथ में दिया तो दैट वॉज इन धर्म चक्र मुद्रा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर वेर वॉज महावीरा बोर्न महावीरा वॉज बोर्न इन कुंद्राम कुंद ग्राम में महावीरा वॉज बोर्न अभी मैंने लॉर्ड महावीरा के बारे में आपसे डिस्कस भी किया है तो कुंद ग्राम के अंदर लॉर्ड महावीरा वॉज बोर्न दैट इज इन विशाली डिस्ट्रिक्ट अब तो आपको पता भी होगा ऑफ प्रेजेंट डे बिहार कब इन 599 बीसी नाइन बी अभी बताया पता था ना ही वॉज द ट्वेंटी फोर्थ तीर्थानकर ठीक है फेमस लिंगराज टेम्पल इज सिचुएटेड है अभी फेमस लिंगराज टेम्पल कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए इट इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हु कंपोज द अलाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हरिसेना ऑप्शन ए हरिसेनाज तो द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज वॉज अभी 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 पीछे भी डिस्कस किया था पानीनी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बुद्ध धमा एंड संघ टूगेदर आर नोन एज द टुगेदर आर नोन एज थ्रीरत्न रत्न भी इन्हें बोला जाता है साथ में बुद्धा धम आण, धमा एंड संगा दे टुगेदर आर नोन एज त्रिरत्न नेम द फेमस किंग ऑफ कुशाण डायनेस्टी कुशाण डायनेस्टी के फेमस किंग कौन है कनिष्क काफी बारी क्वेश्चन अब तो पूछ लिया गया है आई होप आपको पता चल ही जाएगा पता चल जाना चाहिए विच ऑफ द फोलोइंगशन इन धमा तो इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंगशन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगर आपको धमा के बारे में थोड़ा सा बिहेवियर दैट इज रिक्वायर्ड हुव दमा तो इनमें से विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट मेंशन इन धमा तो दैट इज फेथ इन संग ऑप्शन डी इट इज नॉट मेंशन इन धमा अदरवाइज धमा में बेसिकली देर इज मैंशन ओबीडियंस टू पेरेंट्स एल्डर्स टीचर्स चैरिटी पेटर्नलिज़म और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि गुड ट्रीटमेंट टू वर्ड्स दी वार्ड और साथ ही साथ एबस्ट्रेन फ्रॉम फ्रॉम किलिंग्स ओबीडियंस टू पेरेंट्स तो ये सब जो हैं दे आर दी पॉलिसीज आप बोल सकते हो द वन हु ऑब्जर्व धमा तो ये सब उनमें ऑब्जर्व किया जाता है ठीक है स्क्रिप्चर डिस्क्राइब्स अबाउट सिक्सटीन महाजनपद तो कौन से बुद्धि क्रिप्चर हैं अंगुत्र निकाया अंगुत्र निकाया द बुद्धिसाइब्स अबाउट सिक्सटीन महाजनपद इंफॉर्मेशन इज फाउंड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन अशोकाज के इंस्क्रिप्शन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है लाइफ स्टोरी इंटरनल पॉलिसी फॉरन पॉलिसी या फिर सब कुछ तो ऑल दी ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कौन से ईयर में सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बींग एबर्डेंट फॉर नियरली सिक्स हंड्रेड आंसर इज एटीन एटीन में तो यहां पे आंसर मार्क कर देती हूँ ऑप्शन बी एटीन एटीन इन रेन विजिटेड इंडिया अब तो ये काफी बार आ चुका है हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूएं तसैंग विजिटेड इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज द प्रूफ

अगेंस्ट द किंग पोरस अभी मैंने आपको बताया था एलेक्जेंडर अब देखो स्टेटमेंट बढ़ा दी गई है लेकिन क्वेश्चन वही है एलेगजेंडर और पोरस के जो बीच में बैटल हुई थी वो कहां पर हुई थी यही क्वेश्चन था ना तो ये तो पता ही होना चाहिए कहां पर हुई थी हिडिस् ऑप्शन ए तो बैटल ऑफ हिडिस् वॉज फोर्ट लेकिन अब ये ध्यान रखना कब हुई थी थ्री ट्वेंटी सिक्स बी के अंदर हुई थी किस किसके बीच में हुई थी एलेग्जेंडर और किंग पोरस के बीच में तो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं सारे क्वेश्चन आई होप आपने अच्छे से सुने हों हुँ, समझे होंगे और एनालिसिस किया होगा प्रॉपर कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं कितनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट वैन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम तो हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर एनालिसिस उनका प्रॉपर किया करो वैन यू आर गोइंग फॉर प्रिपेरेशन ऑफ ऑफ एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये कोई भी एग्जाम हो प्लीज डू सी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वंस प्रॉपर उनका एनालिसिस करना जरूरी है विद दिस आई आर जू कड विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड टिल देन हैप्पी लर्निंग एवरी वन टेक केयर गुड विशेज थैंक यू